हेलो हाय, कैसे हो भाइयों। तो बहुत दिनों बाद आ चुके हैं यूट्यूब पे कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा बनाने के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हो मिरांडा करके एक वेबसाइट है, निकोलो मिरांडा, और बहुत ज़्यादा प्यारी वेबसाइट है। बहुत प्यारा सा लोडर है इसका, और लोड होने के बाद काफ़ी बेहतरीन सी वेबसाइट हमको यहाँ पर दिखाई देती है कुछ ऐसी। और इसको अगर हम स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है ना भाइयों, वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब इतनी प्यारी डिज़ाइन के साथ वेबसाइट आपको कम ही देखने को मिलती है। ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, लेकिन हाँ भारी वेबसाइट है। मतलब कुछ हल्की हल्की चीज़ों से मिलकर एक भारी वेबसाइट बनती है। हम शुरू से लेकर लास्ट तक इसको बनाएंगे। इस वेबसाइट में आप सीखोगे कैसे आप किसी वेबसाइट के अंदर से इमेजेस चुराते हो, कैसे आप उस वेबसाइट के अंदर से कलर्स को चुराते हो, कैसे आप उस वेबसाइट के अंदर से फॉन्ट्स को चुराते हो। तो यहाँ मैं आपको सारी प्रोसेस सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। मैंने भी नहीं बनाया, तो आप लोग भी अप्रोच देख लो किस तरीके से आप वेबसाइट को अप्रोच करते हो, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, और वेबसाइट कई मायनों में खास है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये हम लोगों का चैलेंज था। एक बैच हुआ करता था B15, उसका फाइनल चैलेंज था, और आपके भैया ने जीत लिया था वो चैलेंज, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, हाँ शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ये वेबसाइट हम बनाने वाले और जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के कर लो 720p, कान में लगा लो एयरफोन और कहीं शांति से आके बैठ जाओ, VS कोड खोल लो, और जैसे जैसे मैं कोड करते आ रहा हूँ साथ ही साथ आप भी कोड कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, हमारी यहाँ पे HTML की बॉयलर प्लेट है। मैंने सिंपल एक फोल्डर बनाया मिरांडा करके, उसके अंदर मैंने HTML की बॉयलर प्लेट लिख ली, CSS को लिंक कर लिया है, और यहाँ जाके आपको CSS भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब CSS को मैंने यहाँ पे लिंक कर लिया, मैं आता हूँ यहाँ पे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मैं करने क्या वाला हूँ, बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले इसकी बॉडी बनाऊंगा, और यहाँ पे आप देखो है क्या क्या स्ट्रक्चर। तो एक आपको मेन डिव दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको एक ये वाला डिव है। तो एक काम करते हो, सुनो, एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पे मेन डिव। मेन डिव इज व्हाट, मेन डिव इज हमारा पैरेंट डिव। ये हमारा पैरेंट है सारी चीजों का, मतलब ये हमारा काइंड ऑफ कह सकते हो रैपर है, जो सारी चीजों को रैप करके रखता है। लाइक अपन लोग चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट का एक रैपर नहीं होता, तो सारे पूरे के पूरे चॉकलेट को रैप करके रखता है, ये हमारा रैपर है। इसका काम है पूरे चॉकलेट को संभाल के रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेन डिव बना लिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेन डिव का कोड हमको नहीं लिखना है, कोई टेंशन मतलब नहीं लिखना है, बस नहीं लिखना है, ठीक है। मेन डिव यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया, और मैं पहले कह रहा हूँ बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करने वाले हैं, GSAP और लोकोमोटिव एंड बहुत सारी। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग यहाँ पे मेन डिव का कोड लिखेंगे कि नहीं, वो तो रैपर उसका कोड क्यों ही लिखेंगे। मेन डिव के अंदर है यहाँ पे हमारा page 1, तो page 1 हमारा पहला डिव है। और page 1 के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, तो page 1 के अंदर है हमारे पास ये वाला पार्ट। सबसे पहले नैवबार बनाते हैं, जो नैवबार है ये कैसे बनेगा, और कुछ कुछ फॉन्ट्स की कलर्स की हमको जरूरत पड़ने वाली है, तो वो भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पास page 1 है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जाके मैं कहूँगा #page1 जो है मेरा, उसको आप दे दो हाइट, कितनी दे रहे हैं अपन 100 VH। परसेंट क्यों नहीं दिया भैया, परसेंट देते तो परसेंट उसके पेरेंट के हिसाब से लेता, लेकिन पेरेंट की तो आपने हाइट ही नहीं दी, तो वो क्यों लेगा परसेंट में। तो हमने दे दिया VH, VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट होता है कुछ होता है, आगे समझेंगे। और मैंने कह दिया विड्थ 100 VW। बाय द वे पहले बॉयलर प्लेट सही लिख लेना यार याद से, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे 100 VH दे दी, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे के देखना चाहता हूँ दिख कैसा रहा है, मतलब हमारा आउटपुट दिखेगा कैसे, ये भी तो देख ले पहले। और करते हैं ओपन विद कोड, तो ओपन विद कोड करते साथ ही ओपन विद लाइव सर, तो ये मेरा पहला पेज दिख रहा है, आंखें लाल हो चुकी होंगी समझ रहा हूँ, लेकिन हमको चाहिए ये वाला कलर। कैसे लेके आएंगे ये वाला कलर, ऊपर जाओगे एक्सटेंशन वाले पे क्लिक करोगे, अरे मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, आपके पास नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लेना, मैं एक्सटेंशन का नाम बता रहा हूँ, कलर जिला हमारे एक्सटेंशन का नाम है। कुछ मत करना, गूगल पे जाना, कलर जिला एक्सटेंशन डाउनलोड, और डाउनलोड कर लोगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वाली विंडो के अंदर दिखने लगेगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे कलर जिला, ये यूज होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर से कलर चुराने के लिए। तो मैं आ जाता हूँ कलर जिला पे, मैं कहूँगा पेज कलर पे कर एक्टिव, और यहाँ जाके कोई सा कलर जो तुम्हारा मन करे चुरा सकते हो यार, है ना। तो चलो मैं कलर चुरा लेता हूँ, मैंने कलर उठा लिया यहाँ से, और मैं जाके अपनी वेबसाइट के अंदर page 1 के अंदर बैकग्राउंड कलर रेड की जगह ये वाला कलर पेस्ट कर देता हूँ। पता है खास बात क्या है, खास बात यह है कि अब हमारी वेबसाइट के अंदर भी सेम कलर दिखाई देने लगेगा हमको, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया। उसके बाद अब बनाते हैं नैवबार। नैवबार के अंदर हम आएंगे पहले यहाँ पे, और एक चीज याद रखना, इसको दे देना पोजिशन रिलेटिव, अच्छा होता है देना चाहिए पोजीशन रिलेटिव से, आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड रहते हैं काइंड ऑफ ऐसा। तो मैं कहूंगा मेन डिव के अंदर मेरे पास एक क्या सकते हो नैव है, नैव नाम का डिव है। नैव के अंदर क्या क्या चीज है, नैव के अंदर एक मेरे पास H5 मान लेता हूं, जिसके अंदर लिखा Amsterdam, NL। एक यहाँ पे ये वाला आइकन है, तो क्या ये एक इमेज है, हाँ ये एक इमेज है। तो मैं कहूँगा कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ जाके मैं इसके नीचे बनाऊंगा एक इमेज टैग, जिसके अंदर मैं इमेज का एड्रेस लगा देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक मेन्यू का आइकन है, तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ छोटा सा, मैं जा रहा हूँ remixicon.com पे, और remixicon.com से जाके मैं डायरेक्ट आइकन लगा देता हूँ। मतलब अभी मैं डबल लाइन वाला नहीं, लेकिन सिंगल लाइन वाला लगा देता हूँ, ठीक है। चलो जैसे ही आप रिमिक्स आइकन पे आओगे, रिमिक्स आइकन यूज होता है हमारे आइकन्स के लिए, यानी कि जो भी आप इंटरनेट पे आइकन्स को देख रहे हो ना भाइयों, ये आपको मिलते हैं इस वेबसाइट
वेबसाइट पे। हम करते क्या है, हम यहाँ पे जाते हैं रिमिक्स आइकन पे, ऊपर यहाँ पे आपको बिल्ली का आइकन दिख रहा होगा, ये हमारा गिटहब का पेज खुल जाएगा और यहाँ आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पे CDN दिख रहा होगा। CDN पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके आपको CDN कर लेना है कॉपी। कॉपी करते साथ ही CDN आप आओगे यहाँ पे वापस और आपको करना क्या है, आपको यहाँ जाके आपका जो CSS है उसके जस्ट ऊपर या उसके नीचे कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, डोंट वरी, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने यहाँ जाके करा क्या, CSS के ऊपर उसको CDN को पुट कर दिया और अब मुझे आइकन लगाना है। तो यहाँ जाके मैं जाऊँगा रिमिक्स आइकन पे वापस और मैं सर्च करता हूँ लेट्स से मेन्यू। मैंने मेन्यू सर्च किया और मेन्यू मेन्यू मिल चुका है जी। कौन सा वाला मेन्यू लगाना चाहते हैं हम लोग, तो हम जो चाहें वो लगा सकते हैं। लेट्स से मैं लगाता हूँ, मान लेते हैं ये वाला, तो मैं यहाँ से करूँगा कॉपी एंड देन यहाँ आके पेस्ट। सही है ना, सही है ना। चलो देखो हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही, बहुत ज़्यादा गंदी, ऐसी तो नहीं चाहिए थी हमको। तो चलो जल्दी से इसको बना लेते हैं। हम यहाँ जाते हैं, हम कहते हैं कि हैशटैग नैव नाम का मेरा एक डिवाइस जिसकी हाइट रहेगी मान लेते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, मैंने यहाँ जाके कहा बैकग्राउंड कलर कर दो उसका रेड और विड्थ दे दो उसको 100%, हाइट 100 पिक्सल में, विड्थ 100% में। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। देख सकते हो आपका नैव बार कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ जाके एक प्रॉपर्टी होती है जिससे एलिमेंट एक के बाद एक लाइन में आ रहे हैं वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, याद है क्या? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लो। प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स देते साथ ही आपके एलिमेंट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे जो कि कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हो आपके एलिमेंट्स एक्स एक्सिस पे सेंटर रहें और वाई एक्सिस पे भी सेंटर रहें, तो वाई एक्सिस पे सेंटर करने के लिए आप कहोगे अलाइन आइटम सेंटर और एक्स एक्सिस पे सेंटर करने के लिए कहोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं सेंटर नहीं, स्पेस बिटवीन, यानी कि स्पेस उनके बिटवीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो देख सकते हो कुछ ऐसा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना यार, प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो ये जो हमारा इमेज है वो काफी बड़ा है। तो यहाँ जाके एक काम करो, हैशटैग नाव के अंदर जो इमेज है आपका उसको हाइट दे दो आप 50 पिक्सल्स की। छोटा हो गया क्या, 50 पिक्सल ज़्यादा लग रहा है तो कम कर दो, 35 कर दो। हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा थोड़ा सा, देख सकते हो अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो 30 कर दो, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता मैं। ठीक है जी, 30 पिक्सल मैंने दे दिया और यहाँ पर आपका आइकन सही तरीके से दिखाई दे रहा है। हमको उनको थोड़ा सा और बेटर बनाना है, तो यहाँ जाके एक प्रॉपर्टी होती है भाई जिसका नाम है पैडिंग। पैडिंग मतलब एलिमेंट के अंदर साइड में स्पेस, मैं कहूँगा ऊपर नीचे से 0, राइट लेफ्ट से 30 पिक्सल्स की, तो एलिमेंट्स थोड़े अंदर साइड में आ जाएंगे। ओके जी, हमको एलिमेंट्स का थोड़ा सा साइज भी बढ़ाना है, तो यहाँ जाके हम कहेंगे कि मेरे नैव के अंदर जो H5 था उसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं, मान लेते हैं 20 पिक्सल्स, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, फॉन्ट का वेट कम करके कर दिया मैंने 100, तो ये काफी पतला भी हो चुका और ये ठीक ठाक सा दिख रहा है। यहाँ जाके आइकन है, आइकन को आपको बढ़ाना है, तो यहाँ जाओ कह दो नैव के अंदर जो आई है, यानी कि आई टैग, आई मतलब आइकन, ठीक है, आई टैग आपने यहाँ से टारगेट करा उसका और आप जाके कहते हो आइकन जो है मेरा उसका फॉन्ट साइज आप कर दो लेट से 18 पिक्सल्स, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। और वैसे मुझे लगता है कि हमको आइकन देने की जरूरत नहीं है, तो हम आइकन नहीं देते हैं, रहने देते हैं आइकन। ठीक है चलो, तो नैव बार का बैकग्राउंड कलर हटा दो, तो आपका नैव बार बनके तैयार है। नैव बार का बैकग्राउंड कलर हटा दिया, नैव बार बनके हमारा तैयार है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखना ध्यान से, ये जो मेरा द पेपर पोर्टफोलियो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आ रहा है और नीचे एक लाइन भी है। लाइन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, आप यहाँ जाना, कहना बॉर्डर बॉटम साइड से कितनी, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, या फिर मैं देता हूँ 2 2 2 2 2, एक कलर होता है लाइक ब्लैक, देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। हमको थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ानी चाहिए, हम के देते हैं 110 पिक्सल्स, थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी। और यहाँ जाके मैं थोड़ी थोड़ी अपने एलिमेंट्स को विड्थ दे देता हूँ, तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ लेट से कितनी देनी चाहिए, तो 40%, ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत काइंड ऑफ ठीक ठीक से दिखेगी, इसको भी 40% दे देते हैं, तो ये कुछ ऐसी दिखने लगेगी। और यहाँ जाके हम नैव के अंदर एक आइकन और बनाएंगे, उसको भी विड्थ दे देते हैं लेट से, अपन सबको बराबर बराबर क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ जाके इसको दे देते हैं लेट से 30%, इसको भी दे देते हैं लेट से 30%, और यहाँ जाके आइकन को भी दे देते हैं अपन लेट से 30%, सही है ना। और यहाँ जाके आइकन को दे देना है टेक्स्ट अलाइन राइट, होता है कुछ जैसे अब आपको आपका आइकन बिल्कुल ठीक है, अब ये अच्छा दिखने लगेगा हमको। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, टेंशन मत करो तुम लोग। ठीक है, वैसे गाना कौन सा था हर्ष, नहीं सुनाई दिया, कोई बात नहीं भाई, इट्स माय लाइफ, इट्स नाउ और नेवर। चलो ठीक है, तो ये वाला आपका नाम बन चुका है, उसके बाद आते हैं ये वाले पार्ट पे। अब आते हैं एक और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉन्ट। तो फॉन्ट मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं फॉन्ट उसके बाद बताऊंगा, ठीक है जी। चलो तो ये मेरा डिव है, अब इसको बनाने की तरफ जाएंगे, ज़्यादा समय अपन नहीं लगाएंगे, हम पेज वन के अंदर नैव था, नैव को बंद करते हैं और मैं एक और बनाने वाला हूँ यहाँ पे लेट से। और इस डिव का नाम मैं क्या रखना चाहता हूँ, इस डिव का नाम मैं रखना चाहता हूँ मान लेते हैं एलम्स,
एलम्स नाम का मेरा एक डिव है। एलम्स नाम के डिव के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है, तीन पार्ट है मेरे। ओके मैं काम करता हूँ छोटा सा, यहाँ जाके एलम्स को मैं क्या करता हूँ ना, देखना ध्यान से, मैं जाके एलम्स के अंदर बनाता हूँ, लेट से एलम वन, सही है ना, एलम वन आपने बना दिया यहाँ पे। एलम वन के बाद आप जाते हो इसको नीचे एक और बार कॉपी करते हो, एक और बार कॉपी करते हो, इसके बाद इसका नाम रख दिया आपने एलम टू, और इसका नाम रख दिया आपने एल एम थ्री। तीन एलिमेंट्स है ना। एल एम वन के अंदर क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को एक इमेज लगी हुई दिख रही है जो कि हल्की सी जूम हो रही है, तो ये वाला इफेक्ट में भी है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत करो। यहाँ जाके मैं काम करता हूँ, सुनो, मैं यहाँ पे जाके एल एम वन के अंदर एक डिव बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ लेट से इमेज डिव। इमेज डिव आपने बनाया ना, इमेज डिव के अंदर आप यहाँ पे इमेज बनाना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप ये जूम इन वाला इफेक्ट बनाते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एल एम वन नाम का डिव बनाया और एल एम वन नाम के डिव के अंदर इमेज डिव बनाया, जिसके अंदर मैंने इमेज डिव नाम, इमेज नाम की चीज लगा दी। ठीक है जी, इतना कर लोगे क्या, बस। अभी आप स्ट्रक्चर देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें, ध्यान से देख सकते हो आप। आपने एलम्स बनाया था, एलम्स के अंदर एल एम वन, उसके बाद आपने इमेज डिव, इमेज डिव के अंदर इमेज, उसके बाद इमेज डिव के बाहर, उस डिव के अंदर नहीं, उसके बाहर आप कहते हो यहाँ पे एक और चीज है मेरे पास जिसका नाम है, लेट्स अपन दे देते हैं एच फोर, जिसके अंदर लिखा हुआ है ए वी ए वी आर सी ओ, एवरो को, एवरो, एवरो डंडा लगा है बीच में, ओ एवरो को। ठीक है जी, ऐसा कर लोगे क्या, कर लेंगे। और आपने सुना होगा एक टैग होता है जिसको बोलते हैं स्पैन, स्पैन के अंदर आप लिख दो न्यू, क्योंकि मुझे न्यू को भी तो अच्छा बनाना है ना, तो मैंने स्पैन के अंदर न्यू लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं इतना लिखने की जगह यार मैं कहता हूँ यार एक एच सिक्स बना दो, या फिर एक काम करो एक पैराग्राफ टैग बना दो और उसके अंदर लिख दो लॉरम, लॉरम कितना, लॉरम 20, तो 20 वर्ड्स आर इनफ। ठीक है, ये देख सकते हो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं हम ये वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट कैसे बनेगा, ऑल वर्क्स वाला। तो हम जाते हैं नीचे की तरफ, अब हमने पता, देखो ध्यान से, अब हमने एल एम वन के अंदर की सारा एचटीएमएल लिख लिया है ना, अब हम आते हैं एल एम टू पे। आपको एचटीएमएल काफी ध्यान से लिखना रहता है क्योंकि वही डिसाइड करता है आपका मार्कअप कैसा होगा। ठीक है, तो HTML बिल्कुल सही लिखना है, जैसा मैंने लिखा वैसा ही लिखना। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, आपको दिख रहा है आपके सामने। मैंने यहाँ पे LM2 पे के पास गया, LM2 के अंदर मेरे पास सबसे पहले एक H2 है जिसके अंदर लिखा हुआ है ऑल वर्क, ऑल वर्क। ठीक है जी, H2 हो गया। H2 के बाद मेरे पास एक H3 मान लेता हूँ जिसके अंदर लिखा है आ, और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो इसको मैं सही से लिख दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। आ फीचर्ड सिलेक्शन BR टैग, जानते हो क्या होता है BR, लगा देना द लेटेस्ट वर्क, फिर से एक और BR, और वो लगाने के बाद कहोगे ऑफ द लास्ट ईयर सर, लास्ट ईयर सर। और उसके बाद नीचे आऊंगा मैं, यहाँ पे एक H5 बना लेता हूँ, H6 बना लेता हूँ, जिसके अंदर मिल देता हूँ टिप ड्रैग टू ड्रैग साइडवेज टू नेविगेट। ओके जी, तो यहाँ पे आपका बन चुका है। अब थर्ड वाला डिव, थर्ड वाले डिव के अंदर भी ध्यान से अगर देखोगे आप तो वही सेम काम हो रहा है जो आपने एल एम वन के अंदर किया था। तो मैं, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, तो मैं सारा काम उठा के इसके अंदर से एल एम थ्री के अंदर डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे इमेज तो अलग है ना, तो आप इमेज का ये जो यू आर एल था उसको हटाओगे और यहाँ जाके आप इमेज के अंदर ये वाला इमेज लगा दोगे। मैं कहूँगा कॉपी इमेज एड्रेस एंड देन यहाँ पे पेस्ट। आपने इमेज का एड्रेस लगा दिया ना, ओके जी चल। उसके बाद यहाँ पे द ड्रॉजर हब कर दो यार इसको, द ड्रॉजर हब। ओके जी, ऐसा कर लोगे क्या, कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं, ठीक है, तो यहाँ पे द रॉजर हब मैंने कर दिया। और उसके बाद न्यू तो सेम लिखा रहेगा, लॉरम एप्सम डॉलर सेट फलाना डिमागा, जो तुम्हें लिखना लिख सकते, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ जाके हमने एल एम वन को बंद कर दिया, एल एम टू को बंद कर दिया, एल एम थ्री को बंद कर दिया, और ये किसके अंदर ही है, एल एम्स के अंदर। स्ट्रक्चर समझ गए क्या, चलो अब सी एस एस में जाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे वो सीखते हैं हम। यहाँ पे पहले जाके देखेंगे ना, तो हमारी वेबसाइट की बुरी तरीके से ऐसी तैसी हो रही है ना, तो हम इसको सही से बना लेते हैं। अब हम कहेंगे सबसे पहले तो मेरा हैश टैग एल एम्स नाम का जो डेव है उसका बैकग्राउंड कलर रेड है, और कैसा दिख रहा है वो तो देखने में काफी बड़ा सा दिखाई देगा। उसको मैं अपने मन से हाइट दे देता हूँ, लेट से 400 पिक्सल्स की, 400 पिक्सल्स आर इनफ क्या, एक मिनट में फालतू की चीज हटा दूं क्या, चलो तो मैं एक बार अपने हाथ से नाप लेता हूँ 400 पिक्सल्स क्या इनफ है। तो काइंड ऑफ इनफ है, मैं 430 कर देता हूँ, 430 इज मोर देन एनफ। एंड देन हम आते हैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे वापस। अब मुझे इसको तीन भागों में बांटना था, तो मैंने यहाँ जाके कह दिया है डिस्प्ले कर दे रहा हूँ मैं इसका फ्लैक्स अलाइन आइटम्स
क्या करते हैं, सेंटर जस्टिफाई कंटेंट, मैं दे रहा हूँ इसको स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड जानते हो क्या? चलो ठीक है, स्पेस अराउंड नहीं जानते तो स्पेस बिटवीन देख लो। ये आपको कुछ ऐसी चीजें दिखने लगेंगी, काफी बुरा स्ट्रक्चर, समझ रहा हूँ मैं, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, टेंशन मतलब बिल्कुल नहीं, कोई नहीं हो जाएगा, टेंशन मतलब बिल्कुल ठीक है। चलो तो ये कुछ ऐसा बन के तैयार है, अब हम चलते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले एलम को मेरे को देनी है थोड़ी सी पैडिंग, तो मैं पैडिंग नाम की चीज है जो दे दूंगा ऊपर नीचे से 40 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 60 पिक्सल की। तो ये देख सकते हो आपने पैडिंग दे दी, तो अब आपका काम थोड़ा सा हो रहा होगा, लेकिन अभी भी काम ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो हमको करना क्या है, बात सुनो, हम कहेंगे एलम वन के अंदर, जो हमारा एलम वन क्या था, हाँ एलम वन था, उसको मैं दे रहा हूँ, जो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ वैसा लिख सकते हो आप। विड्थ मैं दे रहा हूँ इसको 30%, हाइट मैं दे रहा हूँ इसको, हाइट क्या दे रहा हूँ मैं, हाइट दे रहा हूँ जितनी टोटल है उतनी ले लो 100%, और बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं ब्लू। एंड देन एलम वन के अंदर जो काम किया है अपन ने वही एलम टू के अंदर कर देंगे, तो यहाँ जाके मैं एलम टू बना देता हूँ इसको, और एलम टू के अंदर जो काम किया है अपने वही कर देंगे अपन एलम थ्री के अंदर, तो एलम थ्री कर देता हूँ मैं इसको। एंड देन ये हमको थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक सा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से आपके टिप्स दिखाई दे रहे हैं, बिगड़ चुका है मैं जानता हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है अपने आप सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। और एक काम और करते हैं अपन, यहाँ जाके एलम इसको मैंने 30-30 दे दी, और इसके बीच वाली की थोड़ी सी कम है, तो मैं बीच वाले को थोड़ी सी कम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 25। चलो अब मेरे को ठीक ठीक सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद करना क्या है, बात सुनो आप लोग, यहाँ पे जाके आप कहोगे हैशटैग एलम वन के अंदर जो आपका हैशटैग इमेज डिव था, क्या यही नाम था क्या, नहीं बीच में डैश भी तो लगा था, ध्यान से देखो एलम वन के अंदर एलम से एलम्स के अंदर एलम वन है, एलम वन के अंदर ये इमेज डिव नाम का डिव था राइट। तो आपने क्या कहा, इमेज डिव नाम का जो डिव है उसको आप दे देते हो हाइट, जितनी हाइट लेना है उतनी ले लो, लेकिन मैं उसको हाइट दे देता हूँ लेट्स से 50% की, और विड्थ मैं दे देता हूँ इसको 100% की। और यहाँ जाके मैं कहूंगा उसको ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन क्या करता है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर देता है, तो ओवरफ्लो हिडन करने से ऐसे कुछ दिखने लगेगी आपकी इमेज, सही है ना, सही है। और आपने जाके कहना है हाइट 50 नहीं लो, हाइट ले लो आप 60, ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, सही है, ये बन गया। यही सेम काम ये जो आपने इसके साथ करा था, यही सेम काम थोड़ा सा नीचे जाना और यही सेम काम कर देना एलम टू के अंदर वाले इमेज डिव को, एलम थ्री के अंदर हम सॉरी, तो ये भी कुछ ऐसा दिखने रहेगा, सही है। इमेज सही से नहीं दिख रही है मैं जान रहा हूँ, लेकिन एक काम और करो, यहाँ जाके कहना है इमेज डिव, और आप जाके कहोगे इमेज डिव के अंदर जो भी इमेज है उसकी हाइट रहेगी 100%, विड्थ रहेगी 100%, ऑब्जेक्ट फिट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, बस एक प्रॉपर्टी याद रखना ऑब्जेक्ट फिट, जो कि इमेज टैग पे काम करती है। तो ये आपने दे दिया और ये आपकी दोनों इमेजेस फिक्स हो चुकी हैं, जैसा आप चाहते थे वैसी हो चुकी हैं, लेकिन भैया जूम नहीं हो रही है, इसकी जूम हो रही है, हमारी जूम नहीं हो रही, तो क्या करें, एक काम करना, छोटा सा कोड देखो आप ध्यान से, पहले ध्यान से देखना मैं बता क्या रहा हूँ, आप यहां जाना कोड पे और आप जाके कहना हैशटैग इमेज डिव पर जब होवर होता है, हैशटैग इमेज डिव पर जब होवर होता है, तो अब मेरे को पता चल जाए हैशटैग इमेज डिव पर जब भी होवर होता है उसके अंदर वाली इमेज, नहीं समझे क्या लिखा मैंने, मैं लिखता हूं हैशटैग इमेज डिव, ये जो मेरा इमेज डिव था ना उसके ऊपर जब भी होवर होता है तो उसके अंदर वाली इमेज के साथ क्या करेंगे, तो उसके अंदर वाली इमेज को हम कह देंगे स्केल 1.2, स्केल नाम की प्रॉपर्टी होती है जो कि काम करती है साइज पे, आपका एलिमेंट का साइज कितना उसके ऊपर काम करती है। तो यहाँ जाके मैंने ये जो इमेज वाला कोड था इसको मैंने ऐसे कट करा और यहाँ जाके मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ध्यान से देखोगे जैसे आप जाओगे आपकी इमेज आपको बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, बट काफी गंदे तरीके से दे रही है राइट। तो यहाँ जाके इमेज को नहीं आएगी भाई, एक तो यार इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना हमारे हर्ष पटेल भैया, कि आप कितना ही पीछे साउंड कर लो, अभी मेरे पीछे यहाँ पे 3-4 लोग मर चुके हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही, आ रही चल रही है पीछे, पता नहीं, एक हमारे नीचे इधर दुकान है, वो लोग पता क्या करते हैं, पहले बहुत सारा लोहा लेके आते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर काटने के बाद उसको वेल्डिंग करके जोड़ते हैं, फिर जोड़ने के बाद उसको वापस काटते हैं, दिन भर उनका यही काम है, ठीक है, हाँ ऐसा ही है। तो यहाँ जाके सुनने के लिए, नहीं तो फिर पता चले कि आरी लेके आ गए, कि आप कुछ कह रहे थे क्या, है ना, चलो ठीक है नहीं आएंगे यार, टेंशन मत लो। चलो तो यहाँ पे आपने ये वाला इफेक्ट बना लिया, मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 0.5 कर देता हूँ, और स्केल भी मैं कम कर देता हूँ 0.1 कर देता हूँ, तो जो इफेक्ट आपको ऐसा दिखने लगेगा। पता है खास बात क्या है, खास बात ये है कि अगर आप यहाँ पे ये जो आपने डिव बनाया ना, अगर आप इसके अंदर ओवरफ्लो हिडन नहीं लगाते हो, पता है क्या होगा, ये बाहर निकलने लगेगा, ध्यान से देखो निकल रहा है ना, यहाँ जाके आप कह दोगे ओवरफ्लो हिडन, क्या दिक्कत है, लगा देंगे तो अच्छा दिखने लगेगा, सही है जी। चलते आगे की तरफ चलते हैं, और अब हम करने क्या वाले हैं, बात सुनो ध्यान से, हम यहाँ पे जाएंगे हमारे एलम टू के अंदर, एक सेकंड मेरे आंखों को चला गया शायद, हेलो हाय ठीक है,
ठीक है, इसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ जाके हम देते हैं इसको शांति से एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है विड्थ, और विड्थ नहीं मैं इसको दे रहा हूँ बॉर्डर राइट साइड में, तो मैं बॉर्डर दे रहा हूँ इसको राइट साइड में एक पिक्सल सॉलिड 222 करके, तो देख सकते हो अपन ने इसको यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। काम करो यहाँ से इसके जो नीले रंग है ना सारे हटा दो क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं है, और यहाँ जाके इसके पैरेंट का जो लाल रंग था वो भी हटा दो, और यहाँ जाके करना क्या, इसको बॉर्डर दे दी लेफ्ट से ना, ठीक है अच्छा करा, यहाँ जाके इसको बॉर्डर दे दो आप राइट से भी, ये क्या हो जाता है अपने आप इस सिस्टम में LFT राइट, तो यहाँ पे आपने बॉर्डर दे दी राइट से भी लेफ्ट से, लेकिन LM1 को नहीं देनी थी यार, LM2 को देनी थी, नहीं मैं नशे में नहीं हूँ तुम टेंशन मत लो। चलो तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, और ये ठीक ठीक सही दिखाई दे रहा है शायद मेरे हिसाब से, और अगर इसके पैरेंट को आप बैकग्राउंड कलर रेड देके देखते हो कैसा दिख रहा है तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है अभी तक तो, ठीक है क्या ज़्यादा बड़ा है, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक सा दिखाई देता है, और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा है। ठीक है एक काम और करो छोटा सा, अगर मन है करने का तो यहाँ जाके इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर दो, मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ 5959 भाई एग्जैक्ट सेट क्यों नहीं है, चलो 57 दे दो पता ही नहीं चलेगा तुम लोग को। चलो तो यहाँ जाके मैंने ऐसा कर दिया, और इसकी विड्थ बढ़ा के मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल एंड 2 पिक्सल, तो अभी मुझे ठीक ठाक से दिखाई दे रही है दोनों चीजें। और एक काम करो छोटा सा, LM2 जो है ना उसको थोड़ी सी पैडिंग दे दो, कहाँ से ऊपर नीचे से क्या, नहीं ऊपर नीचे से नहीं राइट लेफ्ट से, कितनी देनी है 30 पिक्सल्स, एलिमेंट्स अंदर की तरफ आ गए क्या, आ गए, ऊपर से भी दे दो थोड़ी सी, मन कर रहा है अगर देने का तो यहाँ जाके ऊपर से मैंने दे दी 20 पिक्सल्स की, और राइट लेफ्ट से मैंने दे दी लेट्स से 60 पिक्सल्स की, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। यहाँ जाना और यहाँ जाके एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे आपके टेक्स्ट जो है वो सारे सेंटर के फॉर्म में आने लगेंगे। ठीक है मैं बड़ा छोटा भी करूंगा उसको, मैंने करा नहीं है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कैसे काम हो रहा है, और ये आपका काम अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा है यार, मेरे हिसाब से सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है, टेंशन मत लो। और उसके बाद आप ये वाला लाल रंग हटा दोगे ना तो आपको चीज़ें ठीक ठाक से दिखाई देने लगेंगी। ये आपका स्ट्रक्चर टाइप का बन चुका है, और एक काम और करते हैं, यहाँ जाके कलर को थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं लाइक दिस, तो आपके कलर थोड़े से लाइट हो गए, अब ये थोड़ा ठीक ठीक सा दिखाई दे रहा है। अब जरूरत है मुझे यहाँ पे फॉन्ट को देने की और फॉन्ट को ढंग से बनाने की, तो मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले तो मैं आ जाऊंगा मेरे LM1 के अंदर, तो यहाँ मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा यार एक काम करो, मेरा जो हैशटैग LM1 था ना, LM1 के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें, एक H4 है, ओके तो मैं यहाँ पे जाता हूँ H4 है, H4 को जाके मैं दूंगा फॉन्ट साइज मान लेते हैं 20 पिक्सल्स का, तो मेरा H4 थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा, मैं कहूंगा इसको मार्जिन दे लो आप ऊपर नीचे से 20 पिक्सल्स की, या फिर एक काम करो सुनो आप एक काम करो मार्जिन ले लो सिर्फ टॉप से 20 पिक्सल्स की, थोड़ा सा ऊपर से खसक जाएगा अच्छा लगेगा देखने में, और एक काम और करो यहाँ जाके आप इसको मार्जिन यहाँ से भी दे दो, यहाँ से आपने दे दिया टॉप से ना, तो यहाँ जाके आप इसको मार्जिन बॉटम से भी दे दो 20 पिक्सल की, ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। चलो मैंने फॉन्ट साइज 22 पिक्सल कर दिया, थोड़ा बड़ा दिखने लगे लेकिन फॉन्ट काफी अलग है, और मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इस वेबसाइट से आप फॉन्ट कैसे चुराओगे, जो मैं कर रहा हूँ ना भाइयों आपको एग्जैक्ट फॉलो करना एग्जैक्ट, ठीक है मेरी आंख फड़फड़ा रही है ऐसा लग रहा है मेरे को, कुछ अच्छा होने वाला है नहीं होने वाला क्या, अरे तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे अच्छा नहीं होगा क्या, चलो ठीक है रहने दो भाई नहीं मार रहा जोक छोड़ो। यहाँ जाके मैंने इंस्पेक्ट करा, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बोल कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है आप वेबसाइट पे जाते हो, यहाँ पे आपको करना क्या है भाइयों, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते साथ ही जैसे ही सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट का, इंस्पेक्ट करते साथ ही ना आपको यहाँ पे डेव टूल्स खोलते हैं, ये जो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये डेवलपर्स के टूल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। हम करते क्या है, हम यहाँ पे जाते हैं, एक टैब होता है जिसका नाम है नेटवर्क, और नेटवर्क वाले टैब के अंदर आप यहाँ पे जाके फॉन्ट्स पे क्लिक करते हो, मैं आपको मैग्नीफायर ऑन करके थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। मैंने करा क्या था, मैंने राइट क्लिक करा था, मैंने राइट क्लिक करते साथ ही इंस्पेक्ट करा, तो यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करा, फॉन्ट पे क्लिक करा, दिक्कत यह है कि कुछ भी नहीं दिखेगा, तो फॉन्ट्स नहीं दिखेंगे तो क्या फायदा, दिखेंगे लेकिन आपको रीलोड करना पड़ेगा, मैंने रीलोड कर लिया, हटा के करता हूँ, और अब आपको फॉन्ट्स दिखने लगेंगे, और ये आपको फॉन्ट्स भी दिखने लगेंगे। चलो जी तो ये मेरे फॉन्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट है, मैं डबल क्लिक करके फॉन्ट को सीधा डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करके मैं इसको पटक रहा हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ये फॉन्ट मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, और एक काम करता हूँ मैं सारे फॉन्ट्स कर ही लेता हूँ, एक कैनोपी नाम का फॉन्ट है ये भी काम आने वाला है तो इसको भी कर लेता हूँ, और यहाँ जाके
एडिटोरियल न्यू लाइट, इसको भी मैं कर लूंगा। लेकिन अभी मैंने दो फॉन्ट्स डाउनलोड कर लिए, दोनों फॉन्ट्स मेरे को अपने डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देख सकते हो, ये जो दो फॉन्ट्स मेरे डाउनलोड हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों फॉन्ट्स जो है ना वो WAF2 फॉर्मेट में आप इनको इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने सिस्टम के अंदर। तो हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ जाएंगे इंटरनेट पे और हम यहाँ जाके टाइप करेंगे WAF2 to TTF। इससे फायदा ये होगा कि आपने जो भी फॉन्ट WAF2 में डाउनलोड करा है उसको आप TTF में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं गया WAF2 to TTF, मैं कहूँगा सिलेक्ट फाइल, और सिलेक्ट फाइल कहाँ से करनी थी, तो मैंने कहा डाउनलोड्स के अंदर नहीं, डेस्कटॉप के अंदर मेरी फाइल होगी जिसका नाम होगा 5-6 करके समथिंग। तो ये मेरी एक फाइल ये, मैंने दोनों को उठा लिया, मैंने कर लिया कन्वर्ट कर दो TTF में। और थोड़ा सा समय लेगा, शुरू के 10 फ्री होते हैं, तो जब 10 खत्म हो जाए तो दूसरी वेबसाइट पर ले, क्या दिक्कत है। चलो, तो मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है और इसका मैं नाम रख रहा हूँ लेट्स से डोमेन नाम का फॉन्ट मेरा डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे जाके मैंने नीचे वाला फॉन्ट भी नाम डाउनलोड कर लिया जिसका नाम है मान लेते हैं कैनोपी। तो मैंने दोनों फॉन्ट्स डाउनलोड कर लिया और अभी ये जो डाउनलोड हुए ना, ये हुए हमारे TTF फॉर्मेट में। तो TTF फॉर्मेट में डाउनलोड करने का फायदा ये, आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक फॉन्ट हो गया मेरा डोमेन डिस्कॉन्ड मीडियम, नाम याद रखना, एक फॉन्ट हो गया मेरा कैनोपी। चलिए जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को लगता है कि उस पर फॉन्ट जो लगेगा वो लगेगा कैनोपी। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एवरोको न्यू को अंदर मैं जाके फॉन्ट लगाने वाला हूँ। तो मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, H4 को मैं दे रहा हूँ फॉन्ट साइज कैनोपी, फॉन्ट साइज नहीं फॉन्ट फैमिली कैनोपी। सही है जी, इतना करते साथ ही आपको होगा क्या, आपको वेबसाइट पे फॉन्ट दिखने लगेगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, पक्का नहीं दिख रहा ना? हाँ, नहीं दिखेगा भी नहीं। क्यों नहीं दिखेगा भैया? क्योंकि आपको अपना VS कोड दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा ओपन विद लाइव सर्वर दोबारा, और आप देखो ध्यान से, अब आपको फॉन्ट दिखाई दे रहा है और अच्छा भी दिखाई दे रहा है। सही है ना जी? चलो, तो अब हमको करना क्या है भाइयों, ये हमने इसको वापस ओपन कर लिया और अब हमको यहाँ पे फॉन्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम करते क्या है, उसके बाद हम इस वेबसाइट पर वापस जाते हैं, और हम यहाँ पे देख रहे थे ये हमारा फॉन्ट वगैरह करके कुछ चीज़ें थी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझो अच्छे से। एक तो ये पता नहीं क्या खुल जाता है, अपने आप अटक गई। हेलो, हाय भाई, जिंदा हो गया हो? चलो ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो न्यू लिखा था भैया, इस न्यू को भी तो चेंज करना था अपने को, तो उसको करना तो बहुत आसान है यार। एक काम करो, देखो यहाँ जाना, यहाँ जाके कहना कि हैशटैग या फिर जो भी अपने एलिमेंट का नाम था उसके अंदर जो भी स्पैन टैग था, तो पिसैन नहीं स्पैन कर देना, और उसको जाके कहना बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड। तो ये कलर दे दिया आपने, आप जाके कह दो कलर जो एलिमेंट्स का वो कर दो आप वाइट। फॉन्ट वेट दे दो उसको कम, थोड़ा सा कम, तो 100 दे दिया मैंने। और फॉन्ट का साइज कम करके कर दो उसका लेट से 20 pixels। बाकी का कितना है, बाकी का 22 है ना इसका 20। और हल्की सी इसको पैडिंग दे देना 4 pixels की। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया। एक काम करो फिर, 4 pixel पैडिंग दे रहे हो तो फॉन्ट साइज और कम कर दो, 18 कर दो, तो अभी ऐसा दिखने लगेगा। और यहाँ जाके बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 5 pixel का, ये कुछ ऐसा दिखाई देने रहेगा। ठीक है जी, चलो भैया, लेकिन मेरे को तो ये वाला कलर चाहिए था, तो कलर जिला पे जाओ ना यार, कलर जिला पे जाना, कलर जिला पे इस पर क्लिक करना और यहाँ जाके आपको ये वाला कलर मिल जाएगा। कहाँ है कलर, कहाँ है, मिल गया कलर, उठा के यहाँ पे ऑरेंज रेड की जगह पेस्ट कर दो। मैं तो ट्रायल के लिए बता रहा था, लेकिन अभी आपने पेस्ट कर दिया तो आपको कलर भी वैसा ही दिखने लगेगा जैसा आपको चाहिए था। ठीक है ना जी, चलो। और यहाँ जाके इस कलर को भी ऐसा ना लिखते हुए मैं दे रहा हूँ ये जो मैंने स्टार्टिंग में कलर यूज करा था, ये वाला। सही है ना जी, अभी ठीक दिख रहा है। और यहाँ जाके इसको मार्जिन दे दो लेफ्ट से 10 pixels की, तो अभी ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, सही है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। बहुत देर हो गई भैया, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ अगर आपको लग रहा है। लेकिन मैं चीज़ें ऐसे सिखा रहा हूँ ताकि आप जो अगर कोई बिगिनर हो तो भी सीख जाओ। और कोड काफ़ी बड़ा है यार, है ना, तो इफेक्ट्स बनाने में टाइम तो लगता है ऑब्वियसली। H1 के अंदर अब मैंने यहाँ पे गया, मैं यहाँ जाता हूँ पैराग्राफ के लिए, इसको फॉन्ट फैमिली वगैरह नहीं बदलनी हमको। एक और मिनट, मैंने यहाँ पे डिस्कॉन्ड मीडियम को भी तो डाउनलोड करा था, तो वो भी ट्राई करूँगा एक बार लगा के। चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या ही जा रहा है अपना। यहाँ जाके मैंने ये सब कुछ हटा दिया। फॉन्ट साइज 22 pixel देना चाहिए क्या? चलो ठीक है, फॉन्ट साइज आपने दे दिया 22 pixel, ऊपर वाले का थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपन, क्या बोलते हो? इसको कर लेते हैं 24। तो अभी थोड़ा ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। बॉटम से मार्जिन मैंने इसके कर दी मान लेते हैं 10, तो बाहर नहीं बगेगा। ठीक है, और यहाँ जाके मैंने कहना है इसको कि फॉन्ट फैमिली डोमेन, जो भी नाम था वो सब सही से नाम डालना, डिस्कॉन्ड मीडियम। ठीक है, फॉन्ट नहीं लगा, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा क्या नाम था उसका। डोमेन डिस्कॉन्ड, क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है? शायद हो सकता है,
एक काम और करना, मीडियम हटा देना, कौन अकेला लिखना, अभी भी नहीं चल रहा है। अब क्या कर सकते हैं भैया, फॉन्ट तो नहीं चल रहा है आपका डोमेन डिस्कॉर्ड मीडियम, तो एक काम करते हैं अपन छोटा सा, ये ट्रिक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत 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 ज्यादा बहुत 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 ज्यादा आपको काम आने वाली है, है ना। बाय द वे इस फॉन्ट का नाम अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो शायद चल जाएगा, नहीं अभी भी नहीं चला, डोमेन अकेले लिख देंगे तो चल जाएगा क्या, अभी भी नहीं चला, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब हमने फॉन्ट तो लगाया यार लेकिन भैया दिख क्यों नहीं रहा। सुनो करना क्या है, आपको जाना है वापस से डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर आपका फॉन्ट क्या था, आपका फॉन्ट था डोमेन डिस्कॉर्ड मीडियम। एक काम करो छोटा सा, ये फॉन्ट उठाओ और आपका जो फोल्डर था मिरांडा करके उसके अंदर जाके पेस्ट कर दो। कर दिया क्या, कर दिया, ठीक है। यहाँ जाके देख सकते हो आपको अपना फॉन्ट दिखाई देने लगा, डोमेन डॉट टी टी एफ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस। सी एस एस वाली फाइल के अंदर आना, और सी एस एस वाली फाइल के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे करोगे वो क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज का होगा आप एट द रेट फॉन्ट फेस, एट द रेट फॉन्ट फेस के अंदर आप जाओगे और फॉन्ट फैमिली को आप जाके कर दोगे जो आपको नाम देना है वो। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट्स से डोमेन, और फॉन्ट फैमिली में डॉट स्लैश डोमेन डॉट टी टी एफ। इतना कर लोगे तो पता फायदा क्या होगा, अब आप जब भी लिखोगे फॉन्ट फैमिली डोमेन तो आपको फॉन्ट लगा हुआ दिख रहा है अपना, देखो ध्यान से, यही तो चाहिए था ना, यही चाहिए था ना पक्का। चलो तो ये आपका फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ जाके मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया 43, और फॉन्ट का वेट कम करके मैं कर देता हूँ 100, तो अभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, सही है ना जी। चलो तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि यार ये काफी ज्यादा कलर चेंज सा है, तो यहाँ जाके मैं कलर दे देता हूँ इसको ये वाला, काफी ज्यादा हल्का हो गया, मतलब हल्का करना था लेकिन इतना नहीं करना था ना भैया, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे जी। चलो जी तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब आते हैं सेंटर वाले पार्ट पे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सी चीज बताऊं, मैं आपको बता दूं क्या पक्का, ये जो आपने एलम वन के लिए लिखा ना, एलम वन के लिए आप सारा का सारा उठा के एलम थ्री के लिए भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ जाके मैं कहूंगा एलम वन के अंदर कैच फोर, नहीं एलम थ्री के अंदर कैच फोर, एलम वन के अंदर कैच फोर का स्पैन, नहीं एलम थ्री के अंदर कैच फोर का स्पैन, स्पैन स्कैन स्पैन, ठीक है। तो यहाँ जाके आप देख सकते हो ये वाला भी बन चुका है। सेंटर वाला बनाना, तो सेंटर वाला तो बहुत ज्यादा आसान है यार, देखो यहाँ पे आप कहोगे कि यार हमारा LM2 आपका बन के तैयार है, एक मिनट, LM2 आपका बन के तैयार है। LM2 के अंदर क्या क्या है, LM2 के अंदर मैं पहले यहाँ जाता हूँ चेक करने के लिए LM2 के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले एक H2 है, ओके, तो यहाँ जाओगे आप कहोगे H2 जो था मेरा LM2 के अंदर, इस H2 को मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो फॉन्ट फैमिली मैं दे देता हूं इसको कैनोपी, कैनोपी फॉन्ट लग जाएगा, लग गया। मैं कहूंगा फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूं इसके अराउंड 30 pixels, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन इतना बड़ा नहीं करना था हमको, थोड़ा और बड़ा करना था तो 50 pixels। ऑयल वर्क आपको यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन हमको और बड़ा करना है तो 70, ठीक है। यहां जाके फॉन्ट का वेट कम करके कर दो 100, तो पतला हो जाएगा, और यार देखो सही लग रहा है यार, इतना बुरा नहीं लग रहा, मतलब सही दिख रहा है, ठीक है। फॉन्ट का साइज कर दो आप 75, अब ठीक ठीक सा दिखाई दे रहा है। यहाँ जाना, यहाँ जाके थोड़ी सी वो तो उसकी आप लेटर स्पेसिंग कम कर दो कि सही लगने लगेगा, लेकिन मुझे ऐसे ही सही लग रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको आप नीचे कॉपी पेस्ट करोगे और यहाँ जाके आप कहोगे जो भी आपका H2 था, फॉन्ट फैमिली क्या दोगे, तो फॉन्ट फैमिली इसको दोगे डोमेन जो आपने ऊपर कॉपी पेस्ट करी है, और इसको फॉन्ट साइज दे देना 55 pixels का, इसको H2 को नहीं H4 को, H4 ही था ना वो, H3 था क्या, H3 होगा तो फिर देख लो, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। H3 का फॉन्ट काफी छोटा दिखाई दे रहा है मुझे, और काफी मतलब सॉरी मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, 50 पिक्सल कर देते हैं, अब ये ठीक दिखाई देने लगेगा। बैकग्राउंड कलर देके देखूं क्या मैं इसको कैसा दिख रहा है, बहुत कम जगह मिली है बेचारे को, सब लोग ना बेचारे को दबाते रहते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, LM2 जो था ना मेरा उसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, मेरा कौन, मैं कर सकता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, प्लीज कर देता हूँ, तो अब ये ठीक दिखाई देने लगा। ओके जी भैया जी, बन रहा है जी, एग्जैक्ट बन रहा है क्या जी, जी एग्जैक्ट बन रहा है जी। उसके बाद यहाँ जाके हम देखते हैं कैसा दिख रहा है, लाल रंग हटा दो तो अब सही दिख रहा है, लाल रंग हटाना तो तुमने पूरा ही हटा दिया, ठीक है। यहाँ जाके फॉन्ट वेट को अपन ने कम कर ही दिया ऑलरेडी, और कलर जो था इसका, कलर को जाके हम दे देते हैं ये वाला कुछ, और इतना लाइट नहीं करना, हल्का सा डार्क कर दो जी। चलो जी तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, और थोड़ा सा डार्क करने पर अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सही है ना, बढ़िया 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 बढ़िया। उसके बाद अपन जाते हैं आगे, पैसे मैं बताऊं इसको फॉन्ट फैमिली नहीं दूंगा ना तो ज्यादा बेटर लगेगा,
सकते हैं, नहीं लग रहा, डोमेन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ जाना और यहाँ जाके आप देखोगे इसके नीचे आपको एक और चीज बनी दिख रही है जिसका नाम है H6। H6 लिख लोगे आप लोग। H6 लिखने के बाद आपको करना क्या है, H6 लिखने के बाद आपको फॉन्ट साइज का इतना देना है कि नहीं 20 पिक्सल इज इनफ। और यहाँ जाके इसको H3 को मार्जिन दे देना ऊपर नीचे से 20 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0। ये थोड़ा सा गैप बन जाएगा और अभी कुछ ऐसा दिखने लगा। ये अपना इतना तो बन के तैयार है, अब हम जाते हैं नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए। ये कैसे बनेगा मिरांडा, ये जो लिखा है ना ये कैसे आएगा, कैसे आपको करना क्या है भाइयों, आपको यहाँ जाना है LM1 को, आपको LMs को बंद कर देना और यहाँ पे आपको बनाना है एक H1, बड़ा सा H1, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पंखे का मेरे को समझ नहीं आता भाई, अपने आप तेज कैसे हो जाता है ये? AI है, हाँ क्या है ना, जैसे तुम लोगों ने AI वगैरह सुना होगा, ChatGPT वगैरह, ये अपने जितने भी डेली वगैरह आ रहे हैं, हमने हमारे पंखे के अंदर AI लगाया है। तो पंखा क्या करता है ना, पंखा ऑब्जर्व कर लेता है कि यार जो हमारे यहाँ पे मालिक बैठे हुए हैं कि उनको गर्मी तो नहीं लग रही है। अब वो तो बोलेंगे नहीं, वो तो शर्माते हैं, तो अपने उसको करना क्या है, उसको अपने आप पंखे तेज कर देना है या स्लो कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ऐसा पंखा तो प्लीज कमेंट करके नीचे बताओ कि भैया हमें भी ऐसा पंखा चाहिए, तो हम आपके लिए अरेंज करवा देंगे। मिरांडा आपने यहाँ पे लिख दिया, और मिरांडा जैसे लिखोगे काफी गंदा दिखाई दे रहा है, तो चलो उसको अच्छा बना लेते हैं। यहाँ जाके कहोगे #page1 के अंदर जो मेरा H1 है उसका फॉन्ट साइज कर दो आप, लेट्स से 100 पिक्सल्स का, नहीं 100 पिक्सल तो कुछ भी नहीं है अभी इसके आगे, 300 भी कुछ नहीं यार, 400 इज ठीक ठाक। मैं कहूंगा फॉन्ट फैमिली कौन सी, कैनोपी, अभी तो और लगेगा, 600 दे दूं क्या, 600 भी ठीक है यार, लेकिन इतना बड़ा फॉन्ट है यार, मतलब मजाक से हटके इतना लंबा चौड़ा फॉन्ट यार, 650 दे दें क्या, हाँ 650 इज स्लाइटली गुड, 650 इज स्लाइटली गुड। मैं फॉन्ट का वेट कम करके 100 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए, पतला ही लगाए क्योंकि वहां पे तो पतला करना जरूरी है। और 650 से भी कुछ नहीं हो रहा है, आपको करना पड़ेगा इसको 670, ठीक है जी, अब थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। मैं इसको दे दूं अगर बैकग्राउंड कलर रेड तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। यहाँ जाना कलर जिला एक्सटेंशन पे, इस वाली वेबसाइट पे जाना कलर जिला एक्सटेंशन पे, और यहाँ जाके ये वाला कलर उठा लो जल्दी से, उठा लिया क्या, ठीक है, लाल की जगह ये वाला कलर पेस्ट कर दो, कर दिया क्या, कर दिया, ऐसा दिख रहा है। एलिमेंट का कलर चेंज करो ना, एलिमेंट का कलर आप कर दो ये वाला, अब ठीक दिख रहा है क्या, हाँ, लेकिन भैया लाइन की हाइट बहुत ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है ज्यादा, लाइन की हाइट है ना, तो लाइन हाइट कम कर दो, लाइन हाइट नाम की प्रॉपर्टी जानते हो ना, लाइन हाइट कम कर दो, मैं दे देता हूँ उसको लाइन हाइट 600 पिक्सल्स, ये ठीक हो गया, देखो ध्यान से ठीक हो गया। उसके बाद एक काम और करो, यहाँ जाके इसको आप थोड़ी सी विड्थ दे देना, विड्थ, हाँ विड्थ, आप इसको विड्थ दे देना 94% की। ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सही दिख रहा है ना, नहीं सही तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक काम करो यहाँ जाके इसको दे दो मार्जिन लेफ्ट साइड में 2% की, लेफ्ट साइड से फरक गया क्या, 2% फरक गया, और मैं इसको 95 ना देते हुए 96 दे रहा हूँ, तो अभी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। फॉन्ट का साइज मैं 660 कर रहा हूँ, तो अब ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ पेज पर थोड़ा सा बाहर निकल रहा है लेकिन हाँ ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ जाके एक प्रॉपर्टी और होती है यार, तुम लोगों ने शायद पढ़ी होगी, यार मेरा फॉन्ट बड़ा है लेकिन एलिमेंट्स के बीच में स्पेस कम है, तो एक काम करता हूँ, सुनो इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, और लेटर्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, लेटर स्पेसिंग पढ़ा होगा तुम लोगों ने शायद, लेटर स्पेसिंग को मैं कम करके कर देता हूँ माइनस का 5 पिक्सल्स, तो थोड़ा करीब करीब आ जाएगा, और करीब लेके आना है तो माइनस का 25 पिक्सल कर देता हूँ मैं, और करीब आ जाएगा, आप देखो चपक चपक के बैठ चुका है, और आप चाहो तो फॉन्ट साइज और बढ़ा सकते हो, मैंने फॉन्ट साइज का दे दिया 700 पिक्सल्स, समझ रहे हो ना। पता है एक और बात बताऊँ, ये सही अप्रोच नहीं होती, आप फॉन्ट के साइज को पिक्सल्स में दे रहे हो, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है VW में, लेकिन अपन वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाने जा रहे हैं तो अपन इतनी टेंशन नहीं लेंगे। ये देख सकते हो आपका पहला पेज और इसका पहला पेज काफी हद तक सिमिलर हो गया है। एक काम और करो छोटा सा, जाके यहाँ जाके आप बनाओ नीचे, यहाँ जाके पेज वन जो था आपने कह दिया उसको ओवरफ्लो एक्स जो है उसको कर दो आप हिडन, इससे पता क्या होगा, ओवरफ्लो जो भी हो रहा है वो छुप जाएगा, सही है ना जी, चलो सही है, ओवरफ्लो एक्स आपने कर दिया हिडन। और एक और काम करो छोटा सा, हाइट आपने यहाँ पे दी थी इसको, हाइट है ना, हाइट हटा के इसको दे दो आप मिन हाइट, इससे क्या होगा, इससे अपनी हाइट को ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर लेगा, कर रहा है, लेकिन हमको चाहिए कि चीजें बाहर निकले, तो हम मिन हाइट नहीं देंगे, हम सिर्फ हाइट देंगे,
तो अब ये चीजें हमको सही सही दिखाई दे रही। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, लेकिन उससे पहले भैया आप जिस चीज के लिए हमको यहाँ पे अभी इतनी देर से रोके हुए वो बता दो, लोडर कैसे बनेगा? हम लोडर देखने आए हैं साहब, तो लोडर बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है साहब, आ जाओ। तो यहाँ जाके हमको लोडर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी हमको करना क्या है, मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट फॉलो करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप बना लो एक script.js, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हो ना, क्योंकि आपने सोचा सिर्फ HTML CSS है, नहीं, जावास्क्रिप्ट भी है, और हल्का मुल्का नहीं, भारी लेवल का जावास्क्रिप्ट है। तो यहाँ जाके मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल लिख ली, ज्यादा भारी नहीं, टेंशन मतलब जी सब लिखूंगा सिर्फ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल लिख ली है, और मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर क्या सोच रहा हूँ ना, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं GSAP नाम की एक लाइब्रेरी। तो हम जाते हैं इंटरनेट पे, सबसे पहले आपको एक बहुत मुश्किल काम करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है GSAP CDN। GSAP क्या होता है, GSAP एक लाइब्रेरी है जो कि आप अपने मूविंग एनिमेशन जो देखते हो ना, जो इधर से कुछ चल रहा है, इधर से कुछ चल रहा है, इधर उड़ रहा है, उड़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा है, ये जो काम है ये आप बनाते हैं GSAP की मदद से। तो कहते हैं GSAP CDN, पहली वेबसाइट पे आप जाओगे cdngs.cdngs पे ही जाओगे, डॉट कुछ भी नहीं, cdngs.com। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप यहाँ पे पहली वाली CDN को उठा के कर लेते हो कॉपी। कर लिया कॉपी, क्या कर लिया, और उसके बाद आप यहाँ जाके उसको अपनी जावास्क्रिप्ट के जस्ट ऊपर, और कहीं मत लगाना, हाथ जोड़कर विनती है, जस्ट ऊपर उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है जी। इतना करते ही आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा क्या, नहीं होगा यार, अभी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, आपको पहले कुछ बनाना भी तो पड़ेगा, कोड को लिखना भी तो पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ जाके आप जाते हो, और यहाँ जाके आप मिरिंडा वाली साइट को देखते हो, और एक बार अपनी साइट पर वापस आते हो, और आप ध्यान से सुनो मैं कोड क्या लिख रहा हूँ। जैसा मैं कोड लिख रहा हूँ आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है, एग्जैक्ट, कुछ टेंशन मतलब सही चलेगा, सुनो ध्यान से। हम यहाँ पे भाई GSAP यूज करने के लिए ना दो मेथड यूज करते हैं। GSAP सीखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप GSAP की लाइब्रेरी पे जा सकते हो, है ना, सॉरी लाइब्रेरी कह रहा हूँ मैं, GSAP की वीडियोस हमने जो बनाई उस पे जा सकते हो, तीन वीडियोस जिसमें आपको GSAP सिखाया है, और उसके बाद कुछ वीडियोस के बाद हमने आपको प्रोजेक्ट भी बनवाए हैं GSAP की हेल्प से। तो आप चाहो तो GSAP की वीडियोस जाके देख सकते हो, अगर नहीं आता, लेकिन पहले इसको देख लो। आप कहते हो GSAP डॉट टू, एक मेथड होती है, एक होती है हमारी GSAP, ये अपने आप मन से लिख देता है, GSAP डॉट टू एक मेथड होती है, एक होती है GSAP डॉट फ्रॉम। मैं यहाँ पे फ्रॉम का यूज कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ टाइम लाइन को। तो मैं कहूंगा GSAP डॉट टाइम लाइन, टाइम लाइन नहीं, टाइम लाइन, मैंने यहाँ पे टाइम लाइन बना दी। अब टाइम लाइन को हम किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, तो मैं यहाँ जाके कहता हूँ वेरिएबल है, मान लेते हैं TL, और TL के अंदर मैंने इसको सेव कर दिया। अब बात सुनो करना क्या है, आप कहोगे वेर TL, आपने बना लिया है ऑलरेडी, तो ये आपका टाइमलाइन बन गया, अरे टाइमलाइन बना के साइड में रखो। अब आप कहोगे TL डॉट टू या फिर TL डॉट फ्रॉम, जो चाहे वो आपका मन कर रहा है वो लगा दो, कोई इशू नहीं है। आप कह देते हो TL डॉट फ्रॉम, TL डॉट फ्रॉम के अंदर अब मैं सबसे पहले अपने एलिमेंट का नाम लिखूंगा, मैं कहूंगा पेज वन। अब पेज वन के अंदर क्या लिखना चाहता हूं मैं, तो मैं आ जाके कहूंगा पेज वन जो है ना मेरा, उसके अंदर मैं चाहता हूं कि मेरा एलिमेंट वाई एक्सिस से उठता हुआ आए, कितना 100 VH से। तो मैं ऐसा करके लिख देता हूं, आप कोड देखते ही समझ जाओगे मैंने क्या लिखा है। मैं कहता हूँ मेरे TL यानी कि मेरे GSAP में जिस भी एलिमेंट को लगा रहा हूँ मैं उसके अंदर कहता हूँ फ्रॉम 100 VH, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको आता हुआ। बहुत जल्दी नहीं आ गया, हाँ आ तो गया है। यहाँ जाके आप कहोगे कि आ गए हो, अच्छी बात है, लेकिन एक काम और करो, आप यहाँ जाके एक छोटा सा काम और करना, आप यहाँ जाके वाई से आप लेके आ रहे हो ना उसको, कितना लेके आ रहे हो आप उसको 100 VH पे, ओके एक काम करो, यहाँ जाके आप एक छोटा सा काम और कर दो कि उसको क्या करना चाहिए अपने को, y से 100 VH पे आ रहा है, तो यहाँ जाके मैं उसको ड्यूरेशन भी बढ़ा के दे देता हूँ ना यार, थोड़ी सी ड्यूरेशन में दे देता हूँ उसको 0.1 सेकंड की, तो ड्यूरेशन मैंने 1 कर दी, तो आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है इसको डिले देने का, तो मैं यहाँ जाके इसको डिले भी दे देता हूँ 1 सेकंड का, तो क्या करेगा 1 सेकंड वेट करेगा उसके बाद आएगा, सही है ना, आ रहा है ना, बढ़िया। एक काम और कर सकते हैं अपन, पता है पूछो क्या, यहाँ जाके हम लोग मेन डिव एक बना सकते हैं, और मेन डिव को हाइट विड्थ नहीं देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड कलर तो दे सकते हो ना, बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ उसको ये वाला, और ओवरफ्लो एक्स हिडन मैं मेन डिव के अंदर ही लगा रहा हूँ, तो अभी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा ऐसा, नहीं ऐसा, सही है ना, इतना कर लिया ना। लेकिन आपको ये नहीं करना था, आपको करना क्या था, आपने डायरेक्ट फ्रॉम लगा के ऊपर तो ले आया उसको, लेकिन आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सबसे पहले कहोगे TL डॉट टू, और TL डॉट टू के अंदर मैं बहुत कलाकारी का काम कर रहा हूँ छोटा सा, देख लेना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ पेज वन जो है ना मेरा, उसको आप एक काम करो, उसको आप वाई पे ले जाओ 100 VH पे, और VH लिखोगे तो डबल कोट के अंदर लिखना रहेगा, 100 अगर लिखते तो कुछ नहीं होता, 100 VH पे ले जाओ, कॉमा लगा के मैंने यहाँ जाके दे देना है इसको थोड़ी सी एक और चीज जिसका नाम है स्केल। स्केल जानते हो ना क्या होता है, स्केल को मैंने कर दिया 0.4 या 0.5, स्केल छोटा कर दिया मैंने, और एक काम करना ड्यूरेशन जो है वो लगा लेना इसकी 0 यानी कि बिल्कुल 0 सेकंड में,
अब देखो ध्यान से होगा क्या, अब मैं यहाँ पे टू ही लगाऊंगा, फ्रॉम नहीं लगाऊंगा, मैं टू ही लगाऊंगा। अब देखो ध्यान से होगा क्या, पहले उसने वहां पे जाके उसको पे 100 VH पे बैठा दिया, और उसके बाद मैं यहाँ जाके उसको कहूंगा आप आ जाओ वापस से 0 VH पे। तो ये कुछ ऐसा होगा, वहां जाके बैठ गया और अब नीचे से आता हुआ मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये समझ में आया कि क्या हुआ, ये आपका काम यहाँ पे हो चुका है। लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ी लेके आना है यार, हमको चाहते हैं घूमता फिरता हुआ आए अच्छे से। तो एक काम करना, छोटा सा बात सुनो, आपने इसको यहाँ पे लेके आ गए ना, यहाँ पे आने के बाद हम कहते हैं TL.2, और TL.2 के बाद हम कहते हैं हैशटैग पेज वन जो है मेरा वो रोटेट होगा। रोटेट कितना होगा, तो मैं कहूंगा यहाँ जाके रोटेट होगा 360। हो गया रोटेट क्या, हाँ हो तो गया रोटेट। रोटेट करते साथ ही हम क्या कहेंगे, रोटेट तो हो रहे हो आप, रोटेट करते साथ ही आपका जो स्केल है ना, स्केल को भी आप कर दो 0.1 से 1। अब देखो इफेक्ट, आप आया समझ में, ये आपका इफेक्ट बन के तैयार है साहब। ये नीचे से उठता हुआ आया और यहाँ जाके ये कुछ ऐसा बैठ गया। एक काम और पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ इसको आप टॉप से आ रहे हो ना, ठीक है आप टॉप से अभी आओ 30 पे, ज्यादा मत आओ 30 पे आओ, और स्केल आप 0.5 ना करते हुए 0.6 कर लो। और यहाँ पे 30 पे आ गए, और यहाँ जाके मैंने इसको लिख दिया कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। चलो तो अब आप कोड समझो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 15-16 लाइनों का कोड लिखा। मैंने पहले तो टाइमलाइन बनाई, टाइमलाइन बनाते साथ ही आप टाइमलाइन बनाओगे, सबसे पहले आपने उसको भेजना है नीचे। तो मैंने बिना टाइम लगाए 0 सेकंड में उसको नीचे भेज दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ आप आओ, लेकिन वाई से 30 पे आओ, और मैंने उसका स्केल भी 0.6 कर दिया ताकि वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाए। उसके बाद मैं कहता हूँ TL.2, और TL.2 मतलब मैं उससे वाई से कहता हूँ 30 पे आना, और फिर उसके बाद डिले, और यहाँ पे आपने उसको वापस से बड़ा कर दिया। इफेक्ट देखो अब आप साहब, सॉरी इफेक्ट देखो अब आप साहब, सही है ना। नीचे वाले को थोड़ा सा टाइम और दे दो, तो यहाँ जाके मैंने दे दिया उसको ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन मैंने दे दिया 0.8 का, तो अभी अच्छा दिखेगा, सही है ना। चलो ठीक है, तो ये वाला इफेक्ट हमारा बन के तैयार है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, हम यहाँ पे एक नई लाइब्रेरी लगाने वाले हैं जिसका नाम है लोकोमोटिव जीएस। तो हम यहाँ पे ये जो हमारा प्रीमियम कॉन्टेंट है वो सब तो एकदम फैला के बांट रहे हैं कि पढ़ो यार तुम, तो कोई टेंशन नहीं है। यूट्यूब की जनता मतलब प्यारी जनता है, बहुत प्यार से वीडियो देखती है, बहुत प्यार दिखाती है, और हमारा मन करता है कि यार उनको कुछ अच्छा सिखाएं, तो इसलिए सिखा ही रहे हैं। अब देख लो ध्यान से, यहाँ जाके अब हमको लगाना है लोकोमोटिव जीएस। लोकोमोटिव जीएस लगाने के लिए आपको करना क्या है, बात सुनो हमारी, करना क्या है कि आपने जाना है यहाँ पे, आप कहोगे इंटरनेट पे लोकोमोटिव। लोकोमोटिव जीएस बेसिकली यूज होती है आपकी वेबसाइट के अंदर ना स्मूथ स्क्रॉलिंग लगाने के लिए। मतलब ये जो मिरिंडा की वेबसाइट देखो आप इसको स्क्रॉल करके देखोगे ना, एक स्क्रॉलिंग का जो स्मूथनेस है, जो एकदम प्यार है ना साहब, वो मजेदार है, मतलब एकदम मजा आ जाएगा आपको स्क्रॉल करोगे। जब आप चाहते हो आपकी वेबसाइट के अंदर भी सेम स्क्रॉलिंग हो, तो आप जाके करते क्या हो, आप यहाँ जाओगे, आप जाओगे लोकोमोटिव जी एस CDN। सबसे पहले आपको इतना सर्च करना है, सबसे पहली वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। याद रखना GSAP के अंदर सिर्फ हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल चुराते थे, लेकिन लोकोमोटिव के अंदर हम लोग लगाते हैं जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा CSS के लिए, ऊपर URL से मैंने कर लिया उसको कंट्रोल सी करके कॉपी, एंड देन यहाँ आके मैंने अपने कोड के अंदर जाके उसको कर देना है पेस्ट। कहाँ पे पेस्ट करेंगे भैया, अपन उसको पेस्ट करेंगे अपन उसको GSAP के भी ऊपर। तो ऑर्डर याद रखना आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लगानी है लोकोमोटिव, और लोकोमोटिव की हमको जावास्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया हमने, और उसके बाद हमने GSAP, और सबसे लास्ट में हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल, एंड देन आपको आना है ऊपर। जैसा मैंने कहा था CSS भी लगानी होती है, तो यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ जाके थोड़ा सा पीछे जाओगे और यहाँ जाके CSS वाली पे क्लिक करोगे। क्या मैंने CSS तो नहीं कर ली ना कॉपी, छोटा सा पाप हो चुका है मुझसे, माफ़ करना, मैंने गलती से CSS जावास्क्रिप्ट में कॉपी पेस्ट कर दी थी। तो मैंने यहाँ पे CSS को क्यों कर रहा हूँ, मैं पहले जावास्क्रिप्ट भी कर लेता हूँ फिर। तो मैंने यहाँ जाके जावास्क्रिप्ट की CDN कॉपी पेस्ट करी, ये मैंने लगा दी, ऊपर जाना और अपनी स्टाइल के पहले लिंक नाम की चीज़ बनाना, लिंक नाम का टैब होता है, लिंक बनाना लिंक नहीं होता, तुम लोग छोड़ो अब रहने दो, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा भाई, गाली बक रहे थे गाली। चलो ध्यान से देख सकते हो आपने लगा दिया, क्या लोकोमोटिव चलता हुआ दिख रहा है आपको, लोकोमोटिव तब दिखा जब यहाँ पे साइड में हमको ढंग का स्क्रॉलर दिखे, दिख रहा है क्या, नहीं दिख तो नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें भैया, अब हम इसको बनाते हैं ढंग से, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। सुनो ध्यान से करना क्या है, आपने यहाँ पे CDN लगा ली ना, याद रखना स्टेप्स को याद रखना, पहले लोकोमोटिव की CDN पे जाओगे आप, CSS जावास्क्रिप्ट दोनों लगा दिया आपने, उसके बाद आप जाना है लोकोमोटिव के GitHub पेज पे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा लोकोमोटिव JS, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ GitHub, मैं यहाँ पे जाऊंगा GitHub वाले पेज पे, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है, हल्का सा, थोड़ा सा और, 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 ये वाला कोड उठाना है आप,
आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाला कोड है, आपको इतना उठाना है सिर्फ, जितना ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ना सिर्फ इतना कोड उठाना है। कहाँ मिलेगा? हल्का सा आप जब आप स्क्रॉल करोगे ना लोकोमोटिव के गिटहब पर जाने के बाद, सिर्फ इतना सा कोड। कौन सा वाला कोड? सिर्फ इतना सा कोड आपको कंट्रोल सी करके उठाना है। जैसे आप कंट्रोल सी करोगे आपको आना अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, और सबसे पहले सारे काम बाद में, सबसे पहले इसको पेस्ट करेंगे, और अभी भी नहीं लगा हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे डेटा स्क्रॉल कंटेनर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा स्क्रॉल कंटेनर आपका जो लगा हुआ स्क्रॉल स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको हटाना है और यहाँ जाके आपको कहना है हट जाओ ब्रो, ये नहीं कहना आपको, जाके कहना हैशटैग मेन। अब हो जाएगा क्या? पक्का। एक चीज याद रखना, लेकिन पहले मेन को मैंने हाइट वेट नहीं दी थी, तब जाके मेन पे काम करेगा। अब देखें क्या जाके, यार लग तो चुका है यार, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या यहाँ पे कोई एरर आ रही है क्या? एरर भी नहीं आ रही, और ये लग चुका है वैसे, ठीक है। और अब हमको स्मूथ स्क्रॉलिंग देख ली, क्योंकि हमें स्मूथ स्क्रॉलिंग देखनी है तो हमें मल्टीपल पेजेस तो बनाने पड़ेंगे ना ऑब्वियसली। तो हम करते क्या है, ये हमारी सी एस लग चुकी है, ये हमारी जी एस भी लग चुकी है, और यहाँ जाके हम मल्टीपल पेजेस बनाने के लिए पेज वन के बाद मैं बना रहा हूँ यहाँ पे हैशटैग पेज दो। पेज दो बना लिया आपने, पेज दो बनाने के बाद आप यहाँ जाना, और यहाँ जाके आप कहोगे पेज टू, हाइट मैंने दे दी उसको 100 VH, विड्थ मैंने दे दी उसको 100%, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया उसको, मान लेते हैं यही वाला, तो ये दिख क्यों नहीं रहा भैया? प्रॉब्लम ये आ रही है ना, ये इनका पेज वन स्क्रॉल हो रहा है। एक काम करो छोटा सा, पूछो क्या, यहाँ जाके कहना पेज वन को, पेज वन का आपका, ये आपका पेज वन है ना, ठीक है। आपने जाके कहना है पेज वन को आपकी हाइट रहेगी 110 VH, ठीक है। और यहाँ जाके आपको कहना है ओवरफ्लो एक्स से, नहीं यार मेरे भाई, आपका ओवरफ्लो आप सब तरफ से हिडन ही करो। अब ये हमको ठीक ठाक सा दिखाई देगा, तो अब आप वेबसाइट देखो आप अपने साथ, सही है जी। ये काम हो गया आपका, और आपका साइड में अपना कस्टम स्क्रॉलर देखा, और स्क्रॉलिंग इतनी प्यारी है ना, अगर आप इतना बना लेते हो ना आपका काम तो यहीं पे ही खत्म हो गया, साहब आपने बहुत कुछ बना लिया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम आगे के पेजेस भी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इतना बना चुके हैं, और उसके बाद हमको ये वाला पेज बनाना है। कैसे बनेगा ये वाला पेज भैया? कुछ नहीं करना है यार, पेज टू बनाया ना आपने, पेज टू की आपने थोड़ी सी हाइट बढ़ा के दे देनी है। मैं पेज टू को, मैं यहाँ पे जाता हूँ पेज टू को, मैं इसको यहाँ पे जाके हाइट दे दे रहा हूँ, मान लेते हैं 150 VH, ले लेगा ना, ले लेगा। उसके अंदर आपको दो चीजें बनानी है, एक लेफ्ट एक राइट। तो मैं यहाँ जाता हूँ index.html में, मैं कहूंगा हैशटैग पेज टू लेफ्ट, हैशटैग पेज टू लेफ्ट आपने बनाया, हैशटैग पेज टू लेफ्ट के अंदर क्या है, एक मान लेते हैं एक h2 है जिसके अंदर लिखा इंटरैक्टिव आर्टिस्ट, तो उठ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे खुद ही अपने हाथ से लिख देता हूँ इंटरैक्टिव आर्टिस्ट, और ये आपने बड़ा कर लिया। लेकिन इंटरेक्टिव और आर्टिस्ट में से आर्टिस्ट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, तो एक काम करो, ये जो आर्टिस्ट है ना इसको जाके कट करना, और यहाँ जाके इसको कह देना स्पैन टैग के अंदर मैंने आपको लिखा ब्रो, ये देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा ब्रो। और यहाँ जाके आपको करना क्या, इसके अंदर एक इमेज भी रहेगी, तो इमेज कौन सी रहेगी, इमेज ये वाली रहेगी एक आंख वाली, तो मैं कहूँगा कॉपी इमेज एड्रेस एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे जाके मैं बनाऊंगा एक और डिव जिसकी जो कि कुछ ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक पैराग्राफ टैग जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉरम 30 या 40, जितना तुम्हारा मन करे दे देना, मेरे को 30 देना चाहिए था वैसे, लॉरम 30, तो 30 रैंडम वर्ड्स प्रिंट हो गए, देन ओके। अब आते हैं राइट वाले पार्ट पे, राइट वाले पार्ट पे करना क्या है, राइट वाले पार्ट पे हमको यहाँ जाना है, और हम कहेंगे हैशटैग पेज 3 RAGST राइट, राइट बना दिया था जी मैंने, ठीक है जी। पेज 3 राइट के अंदर मैंने यहाँ जाके कहा कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने कहा इमेज टैग के अंदर यहाँ पर मैंने कर दिया उसको पेस्ट, और पेस्ट करते साथ ही मैंने यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था, अब एक तो ये उठ नहीं रहा, तो मैं इंस्पेक्ट करके ही उठाना पड़ेगा। इनने पता क्या करा, इनने अलग अलग लिखा है यार, ये भगवान राम क्या क्या दुविधा है ये। ठीक है भाई, तुम इसको थोड़ा सा लिख लेना यार, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी एडिटर हो भाई इसको थोड़ा फास्ट कर देना। ओके एडिटर सर, हर्ष भाई कवि है ना, जो कवि को जानता है तू, रोज जानता है।
दोस्त है, अच्छी बात भाई। कवि जो है ना, कवि कह रहा है कौवे से, कवि आप सीन इमेजिन करिए, कवि जो है वो मर चुका है, मतलब ऑलमोस्ट मरने की हालत में, और पड़ा हुआ और कौवे उसका मांस खाने आए। कवि कह रहा है कौवे से कि कागारे कागारे मोरी इतनी अरज तो से, है ना, कि कौवे कौवे मेरी सिर्फ आपसे इतनी सी विनती है कि मेरा जो मांस खाओ ना वो चुन चुन के खाना, और गलती से भी मेरी आंख मत खा लेना, क्योंकि मुझे अभी भी आस है कि मेरा पिया आएगा और मैं उसे बस एक बार लास्ट देखना चाहता हूँ। एक ताली बजा दो यार प्लीज यार, इतनी अच्छी लाइन कही। भाई कवि कितना आशावादी है भाई, कवि मतलब मर रहा है लेकिन मरने से पहले लास्ट टाइम देखना चाहता है। भाई मैंने लिख दिया ये जो लिखना था, और आप भी लिख लेना यार देख के वेबसाइट पे से, और ये देख सकते हो इतना सा लिखना था, लेकिन इतना से लिखने में मेरी जान छूट रही थी, लेकिन ठीक है चलो अब मजबूरी, क्या करना लिखना पड़ेगा भाई। चलो तो ये वाला पेज बना लेते हैं फटाफट बिना देरी किए, आ जाओ यहाँ जाके। हमको बनाना क्या था, पेज टू था, पेज टू के अंदर दो चीज़ें, एक तो पेज टू लेफ्ट नाम का डिव है और एक है मेरे पास पेज टू राइट नाम का डिव, तो मैंने दोनों बना लेता हूँ ना ढंग से, क्या दिक्कत है। मैंने पेज टू लेफ्ट बनाया, मैंने पेज टू राइट बना लिया, सॉरी पेज टू राइट है ना, राइट की स्पेलिंग क्या होती है, आर आई जी एस टी राइट होती है क्या, ये देख सकते हो आपने पेज टू लेफ्ट बनाया, पेज टू राइट बनाया, ये कहाँ जा रही है। ठीक है ये पेज टू का स्क्रॉलर है, पेज टू का आप हाइट दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ जाके मेरे को करना क्या था, यहाँ जाके मेरे को देना था पैरेंट जो भी है उसका, उसको देना था डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड देन यहाँ जाके हम दे देंगे इसको हाइट 100% जिस भी डिव के अंदर है उसके बराबर हाइट ले लो ब्रो, और यहाँ जाके इसके नीचे वाला जो इसको भी हम दे देंगे हाइट 100% की, ठीक है जी। अब स्क्रॉलर हट गया, तो मैं ढंग से बनाओगे ना कुछ नहीं होगा, सबसे ही जाएगा, ठीक है। आ जाओ देख लो करना क्या है, अब इसके बाद यहाँ जाके हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ मान लेते हैं 30% की, तो ये अपने हिसाब से विड्थ ले लेगा, और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ले लो आप रेड, तो ये लाल रंग का हमको ये डिव दिखाई देने लगा। ओके मैं कहूँगा इसके अंदर जो मेरा H1 है, तो मैं कहूँगा पेज टू लेफ्ट के अंदर मेरा जो H2 है, सॉरी H2 है, जो H2 जो है मेरा, ये मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है ये, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, पेज टू लेफ्ट के अंदर जो H2 है फॉन्ट साइज कर दो उसका 100 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्या, नहीं ठीक है और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अपन पहले फॉन्ट फैमिली चेंज करके कर देते हैं, कैनोपी यही है क्या, हाँ है तो यही यार, है तो यही है। जाके इसको मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ, मान लेते हैं 170 तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 150 कर देते हैं, अभी ठीक ठीक दिखने लगेगा। और यहाँ जाके क्या ये टेक्स्ट लाइन सेंटर्ड है, हाँ सेंटर्ड भी है, मैं कहूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर ठीक है, ये कुछ सेंटर में आने लगेंगी चीज़ें, लेकिन एक काम और करना इस H2 के अंदर, सबसे पहले तो आप लाइन हाइट को कम कर दो, तो आप कहोगे लाइन हाइट आप कर देते हो 150 पिक्सल, 15 नहीं यार भाई 150 करना था, तो क्या मेरी बेइज्जती करवा देगा क्या। चलो तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 140 भी कम है, 130 इज गुड, और यहाँ जाके इस कोड को नीचे कॉपी पेस्ट कर देना, और यहाँ जाके क्या देना H2 के अंदर का स्पैन, और फॉन्ट फैमिली सेम रहेगी, टेक्स्ट अलाइन सेम रहेगा, फॉन्ट साइज में दिक्कत आएगी तो फॉन्ट साइज अपन बढ़ा के कर देते हैं 190, सही है ना, सही है, 190 भी कम लग रहा है, 210 ये कुछ अब ऐसा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और मैं इसकी लाइन हाइट बढ़ा के 180 कर देता हूँ, 180 ज्यादा हो गया, जोश जोश में ज्यादा आगे निकल जाते हैं यार अपन लोग कभी कभी यार, सही बोल रहे हो भैया आप भी, हाँ मतलब सही बोल रहे हो तुम लोग भी, ठीक है। चलो फॉन्ट का वेट कम करके कर दो 100, मतलब पतला हो जाएगा थोड़ा सा लाइन पे आ जाएगा, और एक काम करो इसका 100 कर दो और इसका ज्यादा रहने दो,
ठीक है जी। चलो तो ये ऐसा बन के तैयार है। उसके बाद करना क्या है, अपने को करना ये है कि यहाँ जाके थोड़ी सी अपने को देनी है पैडिंग। किसको, पेज टू को क्या, हाँ पेज टू को पैडिंग दे देना ऊपर नीचे से 50 पिक्सल राइट लेफ्ट से 10 पिक्सल्स की। ये दे दोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन 50 पिक्सल कम लग रही है मेरे को, देनी चाहिए 90 पिक्सल। अब ठीक है शायद, अब ठीक है। और राइट लेफ्ट से कितनी दिया अपन ने, 10। क्या 10 इनफ है क्या? हाँ 10 काफी है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि अपन एलिमेंट्स ऐसे बनाएंगे ना कि अपने को इसको अंदर की साइड शिफ्ट करना ही पड़ेगा। या फिर एक काम करते हैं, सुनो यहाँ जाके पैडिंग राइट लेफ्ट से भी बढ़ा देते हैं, राइट लेफ्ट से भी 60 कर देते हैं, ठीक लगेगा मानो तो। 60 ज्यादा हो गया, 50 कर दो, 40 कर दो। चलो ठीक है 40, तुम्हारी जैसी मर्जी 40 कर दो। और इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर मत करना, अच्छा दिख रहा है ऐसे ही, अच्छा दिख रहा है ठीक है। और सुनो बात सुनो तुम मेरी, इमेज जो है ना यहाँ वाली, इस इमेज को ठीक करो। यहाँ जाके कहोगे पेज टू लेफ्ट के अंदर जो इमेज है राइट से पहले बना लेना, ताकि कोड आपका सिस्टमेटिक रहे। और पता है खास बात क्या है, खास बात यह है कि हम आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको कोड भी ना स्किप करना पड़े कुछ भी। तो ये चीज मुझे पहले ही बोलनी चाहिए थी शायद, है ना। कोई बात नहीं, सॉरी भाई, क्या कर सकते हैं, जितने लोग यहाँ तक रुके हैं उतने लोगों का फायदा हो जाएगा, है ना। चलो हाइट आपने दे दी इसको 60%, विड्थ आपने दे दी इसको 100%, ऑब्जेक्ट फिट आपने दे दिया इसको कवर। ये इमेज कुछ ऐसी दिखने लगेगी, दिख रही है क्या? हाँ दिख तो रही है। एक काम करो छोटा सा, वो काम ये है कि यहाँ जाके आपने जाना है लेफ्ट के अंदर, और आपने जाके देना है इसको पैडिंग राइट साइड से कितनी 40 पिक्सल्स की। सही है, 40 पिक्सल्स कम लग रहा है मेरे को, तो 50 पिक्सल्स गुड लग रहा होगा मेरे को, ठीक है। यहाँ जाके मैं इसकी वो बढ़ा के कर देता हूँ 35, 40, ठीक है। चलो अब ये ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है, आंख भी सही से दिखाई दे रही होगी अपने को, दिख रही है, लेकिन अपनी आंख की हाइट कम है। यहाँ जाना नीचे, और यहाँ जाके अपने कह दिया कि 50%, सही है। चलो तो यहाँ जाके अब अपनी सब कुछ ठीक ठीक सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला जो पैराग्राफ है इसको और थोड़ा सा ठीक कर लें, बस अपना काम हो गया, बस खत्म है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये जो अपन ने बनाया है ना नीचे, इसके नीचे आपने जो पैराग्राफ लिखा था ना, यहाँ जाके आप कहोगे जो भी आपका पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपने जाके कहना है फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली जो ऊपर आपने डोमेन लगाया है, डोमेन, तो ये ठीक ठीक सा दिखाई देने लगेगा। कलर, कलर तुम्हारा जो मन करे कर सकते हो, मैं ये वाला कर रहा हूं, ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ये कर देते हैं, ये ठीक ठीक सा दिखाई दे रहा है। और इसको मैं दे देता हूं 4, ठीक है। और इसके अंदर बस एक छोटा सा काम करने के लिए कह रहा हूं मैं आप सबको, कि आप इसके अंदर वो दे देना, क्या नाम है, स्पैन टैग बना के एक एलिमेंट को बड़ा कर देना बस, ठीक है। इतना कर लोगे क्या, पक्का कर लोगे ना, पक्का पक्का श्योर 100%, ठीक कर लोगे तो कह रहे हो तो कर लोगे यार फिर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम हमको ये वाला पार्ट बनाना है, क्योंकि ये वाला पार्ट बनाना भी जरूरी है, और चेहरा काफी बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा करना भी जरूरी है। तो एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, पहले तो यहाँ जाके आपका पेज टू लेफ्ट जो था ना, आपको देना है उसको बॉर्डर राइट साइड में एट से 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, नहीं सजेशन दे दो भाई प्लीज यार, 2 2 2 दे देता हूँ फिर मैं। आपने बॉर्डर भी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाके आप जाते हो अब राइट वाले सेक्शन में, अब आप राइट वाले सेक्शन को बनाते हो, ध्यान से देखो कैसे। आपने उसको विड्थ दे दी कितनी, तो यहाँ जाके इसको विड्थ दे दो, मान लेते हैं 60% की, दे दी क्या, दे दी। उसके बाद आप कहोगे पेज टू राइट के अंदर जो मेरी इमेज है उसको जाके आप हाइट दे दो अराउंड अराउंड 60% बराबर हाइट। ये टारगेट क्यों नहीं कर रहा है, पेज 3 राइट क्यों लिखा था मैंने, मैंने क्यों लिखा था ये पेज 2 राइट के अंदर की इमेज। अब ठीक है, अब ये टारगेट भी हो गया, सही भी लग रहा है देखने में। यहाँ जाके इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देना, पैडिंग दे देना आप कितना, 50 पिक्सल का, 50 पिक्सल का तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा यार, सही है 50 पिक्सल तुमने दे दिया पैडिंग, लेकिन 50 पिक्सल कहाँ से देना था, तुम्हें ऊपर नीचे से देना था क्या, नहीं ऊपर नीचे से नहीं, राइट लेफ्ट से देना था सिर्फ। तो यहाँ जाके पैडिंग दे दो ऊपर नीचे से 0, राइट लेफ्ट से 50 पिक्सल, तो अब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, सही है जी, सही है जी कि नहीं है, सही जी। चलो यहाँ जाके इमेज जो थी आपकी उसको विड्थ दे देना आप 90%, तो ये कुछ ऐसी दिखने लगेगी, आप 90 मत दो 100% दे दो, 100 पे कुछ ऐसी दिखने लगेगी, सही दिख भी रही है इमेज। यहाँ जाके ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दोगे ना तो और अच्छे दिखने लगेगी, ऑब्जेक्ट फिट कवर,
अब ये सही भी दिखने लगेगी इमेज। और यार एक छोटी सी दिक्कत हो गई, छोटी सी पूछो क्या दिक्कत, ये हो गई कि मैंने इसको दिया थे डायमेंशंस उसके बगल वाले डिव के हिसाब से, और उसने क्या करा ना, नीचे वाले को तो अपने कुछ विड्थ विड्थ दी नहीं थी, तो उसने चीज़ें थोड़ी सी बिगाड़ दी हैं मेरे लिए। तो मैं यहाँ जाके ऊपर वाले को चेंज करके वापस से इसको कम करके 35 ही करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यार ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है मुझे, और इसका लाल रंग भी हटा ही देते हैं। और ये बॉर्डर इमेज क्या चीज़ होती है, बॉर्डर इमेज नहीं लगानी ब्रो, बॉर्डर देनी है सिर्फ। तो ये बॉर्डर भी दिखाई दे रही है अपने को, लेकिन बॉर्डर कहाँ से देनी है, बॉर्डर देनी है मुझे राइट साइड से, राइट साइड में बॉर्डर भी दिखाई दे रही है। और कलर को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे कुछ ऐसा, ये जी। तो ये आपका बन के कुछ ऐसा तैयार है। उसके बाद आपको करना क्या है, करना ये है कि आपने जाना है यहाँ पे नीचे वाले डिव में जी, और यहाँ जाके आपने देनी है इसको पैडिंग 60 पिक्सल की जी। तो यहाँ जाके अब ये बेटर दिखने लगेगा थोड़ा सा, सही है। चलो तो ये हमारे यहाँ पे बन के तैयार है, और ये इमेज जो है मेरे को काफ़ी लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है, तो इसको मैं कर देता हूँ 5 यानी 50% की। और एक काम करते हैं, कुछ बीच का ले लेते हैं 53, ठीक है, कुछ ऐसी दिख रही होगी अपनी इमेज भी। और यहाँ जाके कहो पेज टू राइट जो है मेरा, पेज टू राइट के अंदर जो आपका H1 है, H1 ही है क्या वो, H1 है उसका फॉन्ट फैमिली कैनोपी फॉन्ट साइज 200 पिक्सल पहले ही दे दो, तो बहुत बड़ा आएगा। अरे यार ज़्यादा बड़ा आ गया, इतना बड़ा देना नहीं था क्या, देना था क्या, चलो ठीक है दे देते हैं फिर 150। डिजिटल आर्ट डायरेक्टर 150 भी कम है, 130 इज गुड, लेकिन अपन एक काम करते हैं, पूछो क्या, 140 कर देते हैं, और लेटर स्पेसिंग को कम करके कर देते हैं माइनस का 10 पिक्सल्स। इसमें तो लगे लेटर स्पेसिंग कम है, मैं कहूंगा 5 पिक्सल माइनस का, इसका 1 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा आपको, यहाँ जाके थोड़ा सा फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी तुम लोग जानते हो, तो उसको कर दो 100, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और लाइन एड देने की जरूरत मुझे लगता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे वाले पार्ट पे, इतना बन चुका है हमारा, हमारा भी इतना बन चुका है, मतलब हम लोग कम नहीं है भाई, हम लोग भी सही बना रहे हैं। वैसे तुम अपने आप को हल्का मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है जी। चलो यहाँ पे आपने पेज 2 बना लिया, पेज 2 के अंदर आप कहते हो हैशटैग पेज 3, पेज 3 के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास, तो पेज 3 के अंदर ना मेरे पास क्या है, एक तो वेबसाइट लिखा हुआ है, साइड में ये मेरी इमेज है। चलो जी तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना बना लिया है, और ये वाला पेज बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक H1 जिसके अंदर लिखा हुआ है, मान लेते हैं वेबसाइट ही लिखा है ना जी, हाँ जी। और इसके बाद एक इमेज है जो कि हम पोजीशन एब्सोल्यूट करके लगा देंगे, तो ये वाली इमेज डायरेक्ट मिल जाएगी क्या, हाँ मिल जाएगी, इमेज ये क्योंकि, तो पेस्ट कर दिया। यहाँ चले जाओ, यहाँ जाके कहना हैशटैग पेज 3 के अंदर क्या हुआ था, ये रिकॉर्डिंग तो चल रही है, वाईफाई भी चल रहा है, चल ठीक है। यहाँ पे अपन दे देते हैं इसको फॉन्ट साइज, लेट्स से 400 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं अपन इसको कैनोपी। ध्यान से अगर आप देखोगे जाके यहाँ नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एक तो पहले इसको ठीक करो थोड़ा सा, ये जो स्क्रॉलर है मैंने बताया था कि इसके अंदर लग रहा है, इसके अंदर लग रहा है, और दिखेगा तुम्हें तो पता है दिख रहा है वो, है ना। लेकिन तुम इसको थोड़ा सा ठीक बनाना चाहते हो अगर, तो यहाँ जाके पहले तो इसको दे दो बैकग्राउंड कलर, कौन सा बैकग्राउंड कलर, कौन सा, तो बैकग्राउंड कलर ये वाला, और कलर कौन सा, तो कलर दे देंगे अपन ये वाला, ठीक है दे दिया आपने। यहाँ जाके इसको बैकग्राउंड कलर दे दो कितना, इतना, तो इतना बन के तैयार है, ठीक है। हमको शायद इसको बैकग्राउंड कलर कुछ और देना चाहिए था, इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहिए था ऐसा कुछ, एक तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है यार, एक तो इतनी मतलब चुतियापा है, मतलब क्या बताऊं। चलो ठीक है, ये आपने कुछ ऐसा दे दिया ना, सुनो विड्थ पढ़े हो, विड्थ क्या होती है, विड्थ दे दी तुमने 70%, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ जाके फॉन्ट साइज और बढ़ा दो, 400 से काम नहीं हो रहा, 500 कर दो, अपने हाथ में घर की खेती कोई कितना भी कर सकते हैं। फॉन्ट का वेट कम करके कर दो 100, हो गया 100, ठीक है हो गया। यहाँ जाके इसको लेटर स्पेसिंग कर देना माइनस का 10 पिक्सल्स, एक्स पिक्सल नहीं सिर्फ 10 पिक्सल्स, पास पास आ जाएंगे थोड़े से। और यहाँ जाके
आपने करना क्या है, आपने इसको विड्थ को 70% हटा के आपको कहना है फिट कंटेंट। जितने में उसका कंटेंट बन रहा है उतनी ही विड्थ लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। यहां जाना और यहां जाके इसको कह देना मार्जिन लेफ्ट 3 या 4%, 4 पिक्सल, 4% बोला हूं मैं, 2%। और यहां जाके इसको पैडिंग दे देना ऊपर नीचे से 0, राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल्स। पैड नहीं होता, पैडिंग होता है। चलो तो इसने पैडिंग ले ली, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। लाइन हाइट कम करके इसकी थोड़ी सी हाइट भी फिक्स कर सकते हो आप। तो लाइन हाइट करके आप कह देते हो इसकी लाइन हाइट कर देते हो आप, लेट से 400 पिक्सल। 400 ज्यादा कम हो गया यार, 450 कर दो। 450 ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, शायद है ना। ये फॉन्ट कम लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है। 550 करके देख रहा हूं मैं, और इसको कर देता हूं 500। अब ठीक लग रहा है मेरे को काफी हद तक। और यहां जाके पेज 3 के अंदर की जो मेरी इमेज है उसको मैं हाइट दे रहा हूं, मान लेते हैं 400 पिक्सल। पोजीशन मैंने दे दी उसको अब सलूते, और ये हवा में उड़ चुकी होगी। और यहाँ जाके आपको पेज 3 को हाइट नहीं देनी है, हटा दो हाइट, ले लेगा अपने हिसाब से जितनी लेनी है उसको, या आपने दे दी उसको हाइट अपने हिसाब से ले लेगा वो। तो यहाँ जाके इसको याद से दे देना पोजीशन रिलेटिव, और बस यहाँ नीचे आ जाओ। और यहाँ जाके इसको कहना कि टॉप से अब फलूते के बाद आपने यहाँ पे वो नहीं लगाया था ना, इसलिए नहीं दे रहा सजेशन। तो आपने कह दिया टॉप से 0 और राइट से भी 0, तो ये यहाँ पे कुछ आ जाएगी। लेकिन राइट से 0 पे लाना था क्या? नहीं, राइट से थोड़ा सा आगे लाना था। पहली बात तो इसकी हाइट भी बढ़ानी थी हमको, 450 कर देनी थी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ आ जाके राइट से मैंने दे दिया इसको, मान लेते हैं 5%। परसेंट कितना? 5% 3। It's good, great. सही है जी, सही है। और यहाँ जाके अगर मन करे थोड़ा सा तो पेज 4 को हाइट दे देना। मैं दे देता हूँ हाइट इसको 50 VH की। अब वेबसाइट देख लो तुम, और ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है ये किस पे आ रहा है? ये वाला जो स्क्रॉल बार है ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और किसी भी चीज पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। यहाँ जाके आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट काफी बेटर दिखाई दे रही है पहले से, सही है। तो ये अपना इतना बन के तैयार है, और हमने कुछ मिस तो नहीं करा? नहीं, अभी तक तो नहीं करा शायद, और अभी तक आगे भी नहीं करेंगे। चलो तो इतना बन के तैयार है भाइयों। और एक काम और करते हैं छोटा सा, यहाँ जाके इसकी विड्थ हटाई देते हैं, बिना विड्थ के भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी इसको दे दो यार, मेरे को एक छोटी सी दिक्कत दिख रही है वहां पर, पैडिंग। अब नहीं आएगी दिक्कत, ठीक है। कुछ जुगाड़े हैं लगा के आपका काम हो जाता है, तुम्हें सोर्स कोड मिल ही जाएगा, कर लोगे आप लोग काम, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ कुछ इफेक्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाला, और ये वाला इफेक्ट भी काफी प्यारा है जो कि हम यहाँ पे लेके आते हैं, माउस तो रुक जाता है, और तो ये भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट और क्या क्या है इसके अंदर, बेसिक चीजें सारी बनाएंगे, एक ये वाला इफेक्ट भी बनाने वाले हैं अपन लोग। तो मैं काम कर रहा हूँ छोटा सा, तुम लोग मेरी बात सुनना, मैं आप लोगों पर क्या क्या छोड़ रहा हूँ काम करने के लिए, है ना। हमने पूरा डिसाइड करा था, लेकिन क्योंकि समय काफी ऑलरेडी हो चुका है, तो ये बना लेना है, सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स लगेगा। एक ये वाला इफेक्ट बना लेना है, सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स लगेगा। कुछ ऐसा नया नहीं है जो तुम नहीं बना पाओगे। मैं पता है क्या बना देता हूं, मैं ये वाला पार्ट बना देता हूं, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपन बना ले रहे हैं, कुछ छोड़ा हल्का सा जो तुम कंप्लीट करके डन करके नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट बता देता हूं कैसे ये बनेगा, क्योंकि अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, देख लो, सीख लो, आ जाओ कैसे बन रहा है। सबसे पहले आप देखते हो यहां पे जाते हो, और क्या ये एक इमेज है, इंस्पेक्ट करके मैं देख लेता हूं पहले एक बार, और ये तो एक सिंपल सा डिव है, और इसको मैंने बॉर्डर दी हुई है, क्या मैं यही करना चाहिए? हाँ, हमको तो यही करना चाहिए। चलो जी, आ जाओ कर लेते हैं फिर, ठीक है, आ जाओ देख लो। तो मैं करने क्या वाला हूँ ना भाइयों, ध्यान से देखना, मैं 2 डिव बनाऊंगा, एक डिव है ये वाला, एक डिव है ये वाला। चलो बना लेते हैं फिर। इसका नाम मैं रख रहा हूँ पेज 4, हैशटैग पेज 4। पेज 4 के अंदर क्या क्या चीज़ें, पेज 4 के अंदर है मेरे पास
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और उसके नीचे एक ये वाली इमेज, इन दोनों को किसी एक डिव के अंदर डाल देना और उसके अंदर जाके डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना। जो अपन ने पहले कोड लिखा था याद करो इमेज वन के अंदर, एलम वन के अंदर, वही सेम कोड यहाँ पे लिखना, कुछ नया नहीं करना। और इसके अंदर भी जो अपन ने एलम टू के अंदर कोड लिखा था वही सेम कोड यहाँ पे लिखना। मैं इसको बनाने की तरफ जा रहा हूँ, ये वाले पार्ट को बनाने की तरफ। हम करते क्या है, बात सुनो ध्यान से। हम यहाँ पे कहते हैं कि एक मेरे पास है मालते हैशटैग पेज फोर लेफ्ट। अगर यार अब आप कहो कि मेरे को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी भैया, सब कुछ आप करके ही दे दो, तो ऐसे कैसे चलेगा यार भाई, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, हैं जी, है ना। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी कर लेना, और बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो लेफ्ट के अंदर यहाँ पे मैं इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक इमेज टैग बनाऊंगा और उसके अंदर इमेज भी लगा दूंगा। सही है, लग गई इमेज। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और पेज फोर राइट है, राइट के अंदर मेरे को यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और पैराग्राफ टैग बना के लॉरम 30 या 40 जितना तुम्हारा मन करे, मैं लॉरम 40 लिख देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हम इस एक एलिमेंट को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, वो कर सकते हो आप आफ्टर और बिफोर की मदद से। आफ्टर बिफोर नहीं पता, ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, सीख सकते हो, मैंने सारी चीज़ें ये वाली सिखाई है उसके अंदर, ठीक है। और क्योंकि समय थोड़ा सा कम है तो हम आगे बढ़ेंगे। और अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर जाके पता है ऐसे लिखने से जगह मैं कह देता हूँ लॉरम 20 वर्ड्स हो गए प्रिंट। उसके बाद आप लगा दो BR, और BR लगाने के बाद आपको लॉरम 25, तो 25 वर्ड्स और प्रिंट हो गए, सही है। तो ये आपको ऐसा दिखने लगेगा। यहाँ जाके अब आपको ये वाला इफेक्ट बनाना है, तो मैं इसके अंदर करने क्या वाला हूँ ना, मैं एक डिव बनाने वाला हूँ। पहले इतना बना लो, उसके बाद अपन आगे का बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ हैशटैग पेज फोर, पेज फोर के अंदर हाइट आप दे रहे हो अपने पेज फोर की, मान लेते हैं 100 VH, विड्थ आप दे रहे हो 100%, और डिस्प्ले आपने पहले से ही दे के रखा है फ्लेक्स, ताकि आपके एलिमेंट फ्लेक्स में आ जाए। और अलाइन आइटम आप दे देते हो सेंटर, देख लो कैसा दिख रहा है। इमेज बड़ी है इसलिए स्क्रॉलर दिखेगा, तो मैं पता है क्यों दिख रहा है स्क्रॉलर। और यहाँ जाके आप कहोगे कि हैशटैग पेज फोर लेफ्ट जो था मेरा, उसकी विड्थ रहेगी मान लेते हैं 60% और हाइट रहेगी 100%, पैडिंग भी रहेगी उसमें 80 पिक्सल्स के आसपास की, ठीक है। चलो ठीक है, चाहो तो इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ये वाला, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और यहां जाके एक काम और करना, छोटा सा पेज फोर लेफ्ट है ना, वैसा ही पेज फोर राइट भी है, जिसकी विड्थ रहेगी मान लेते हैं 40%, ओके ठीक है। यहाँ जाके आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर देके देख भी सकते हो रेड, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जाना पेज फोर लेफ्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इमेज हाइट में दे रहा हूं 100%, विड्थ में दे रहा हूं 100%, दैट्स इट, कुछ ऐसा, ठीक है जी। और यहाँ जाके इसको कह देना आपकी ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट भी फिट हो चुका है और ये हमें कुछ ऐसे दिख रही है। क्या हमको इसको थोड़ा सा और चौड़ा करना चाहिए, हाँ करना तो चाहिए, तो मैं इसकी पैडिंग को कम करके कर देता हूँ 60, थोड़ा सा और सही हो गया। और एक काम करो, राइट लेफ्ट से 60 रखो, ऊपर नीचे से 80 ही ठीक थी, सही है जी। चलो तो ये ऐसा कुछ बन के तैयार है। उसके बाद ये वाला पार्ट भी हमको बनाना है, तो ये वाला पार्ट भी हम लोग बना ही लेते हैं, देरी क्यों करें, ठीक है जी। चलो तो ये मैंने पैडिंग यहाँ से कॉपी करी, और पैडिंग मैं इसके अंदर भी देना चाहता हूँ, तो पैडिंग ऐसे ही दे दूंगा। लाल रंग हटा दो इसका, लाल रंग किस काम का, किसी काम का नहीं, ठीक है। यहाँ चले जाओ, यहाँ जाके आपने इसको पैडिंग दे देना है, पैडिंग आपने दे दी, और आपने जाके कहना है पेज फोर राइट के अंदर आपका जो पैराग्राफ टैग था उसको आप देते हो फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, वो तो गया 50 कर दो, अभी भी ज्यादा है 30, नहीं 30 ज्यादा नहीं है। फॉन्ट फैमिली में दे दो इनको, वही वाली कौन सी, डोमेन, डोमेन दे दिया। हम कहेंगे फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट को हम करके कर देते हैं 100, और कलर जो है इनका, कलर को हम करके कर देते हैं ये वाला, सही है जी, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और आपको जाके करना क्या है, आपको यहाँ जाके आपने BR लगाया था, BR के बाद एक और लगा दो BR, यार मैंने यहाँ पे BR कहाँ लगाया था, BR के साथ एक और BR लगा दो, तो और BR लगा दो, तीन लाइनों का ब्रेक आ जाएगा,
और एक काम और करो छोटा सा, यहाँ जाके इसको दे दो थोड़ी सी मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल्स की। हाँ तो ये कुछ ऐसा बन के तैयार। यार मैंने ज्यादा बियर लगा दिए। ठीक है, यहाँ जाना और यहाँ जाके इसको दे देना, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लाइन हाइट। लाइन हाइट जितना जितना फॉन्ट साइज, तो मैंने दे दिया 30 पिक्सल, काफी क्लोज क्लोज आ जाएगा। मैंने बढ़ा के कर दी 35, थोड़ा दूर दूर चला गया। सही है जी, कुछ ऐसा यहाँ पे दिखने लगेगा। हमने उसको ऑलरेडी विड्थ तो थोड़ी सी ज्यादा दे ही रखी है, यहाँ जाके इसकी विड्थ करके मैं कर देता हूँ 30%, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और एक काम और करना, डिस्प्ले स्लाइस दिया था ना आपने पैरेंट का, लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, इतना करते ही आपका काम काफी हद तक हो जाएगा। और पेज टू लेफ्ट को आप कर दो 70% विड्थ के साथ, ताकि आपकी जो इमेज की ख्वाहिश थी वो भी बड़ी हो जाए। ठीक है, ज्यादा दीदी लगता है मेरे को, देनी चाहिए थी इसको 65 और नीचे वाले को देनी चाहिए थी 35। ये मिलकर 100 हो गया ना पूरा। हाँ बस यही करना था। उसके बाद आपने यहाँ जाके थोड़ा सा इसका साइज और बढ़ा लेना है, 34 कर लेना है। तो अब ये ठीक ठीक सा दिखाई दे रहा है। अब आते हैं नीचे वाला डिव कैसे बनेगा, यानी कि ये वाला जो डिव है ना ये कैसे बनेगा। तो आ जाओ ये भी सीख लेते हैं कैसे बनेगा। उसके लिए करना क्या है भाइयों, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक इसके बाद मैं बना रहा हूँ एक डिव जिसका नाम मैं रख रहा हूँ गोला। ठीक है, या फिर मैं इसका नाम रख देता हूँ मान लेते अंडा। तो जो अंडा नाम का मेरा डिव है, अंडा अंडा नाम का जो मेरा डिव है, उसको मैं बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आ जाऊंगा, मैं कहूंगा पेज 3 राइट। पेज 3 नहीं है ब्रो, वो पेज 4 है। ओके ब्रो, पेज 4 राइट के अंदर यहाँ पर मेरा एक डिव है जिसका नाम है एंडा। अंडा नहीं, एंडा, एंडा देखो, अंडा बोलते हैं इतना नॉर्मल लगता है, एंडा कर दो उसको एंडा। और अच्छा हाथ एक बार ऐसे कर दो तो कूल हो जाता है वो, समझ रहे हो ना। तुम लोग सिर्फ यहाँ पे वेब नहीं सीख रहे हो, तुम यहाँ पे सीख रहे हो कूलनेस, कैसे आप कूल बनते हो। या लेकिन आप भी नहीं हो, नहीं हाँ मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं तो सिखा सकता हूँ। ठीक है चलो जा देख लो। यहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऑल वर्क, और यहाँ पे जाके आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, करना क्या है, पहले तो इस गोले को बना लेते हैं। यहाँ जाके आपने इसको हाइट दे दी, मान लेते हैं 150 पिक्सल, सॉरी 100 पिक्सल। ठीक मस्त वायरस फैला दूंगा, से फायदा पता है क्या होगा, मैं अकेला नहीं मरूंगा ना, साथ में हर्ष पटेल भी मर जाएगा। बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस 50%, देख सकते हो ये कुछ ऐसा बन के तैयार है। हाइट अभी कम लग रही है तो मैं दे देता हूं इसको 150 नहीं 250। अब ठीक है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी आ गया, अब और ज्यादा ठीक है ना। 250 से 260 कर देते हैं, ठीक है जी, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ जाके बैकग्राउंड कलर देना है क्या, बैकग्राउंड कलर देना है क्या, देना है क्या, बता दो जल्दी, देना है क्या, दे देते हैं यार। लेकिन एक काम करते हैं, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से उठाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, मतलब आपको कलर्स दिख रहे होंगे, ये वाला कलर है। और कुछ हल्का सा अलग हुआ, हल्का सा बिल्कुल अलग हुआ। और मैं दे देता हूँ उसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #, दिस इज दिस। तो ये बॉर्डर भी आपकी आ गई, और चाहो तो इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी कम कर देना तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आपकी बॉर्डर भी आ चुकी है। अब इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें, ध्यान से देखो, एक इसके अंदर ऑल वर्क है और एक इसके अंदर इमेज है। बात समझना मैं करना कर कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बनाता हूँ इसके अंदर एक H1 जिसके अंदर लिखा है ऑल वर्क, बन गया क्या। उसके बाद मैं जाता हूँ एक इमेज टैग जिसके अंदर मेरे को ये वाली इमेज लगानी है, कहूंगा कॉपी इमेज एड्रेस, ये मैंने इमेज लगा दी। ध्यान से देखोगे दोनों आपको एक साथ दिखाई देने लगेंगे, दिख रहे हैं ना। हाँ दिख तो रहे हैं। एक काम करो फिर, यहाँ जाके जाना आप हैशटैग अंडा के अंदर, और हैशटैग अंडा के अंदर आपने कहा H1 जो है मेरा उसका फॉन्ट साइज है मान लेते हैं 80 पिक्सल्स, फॉन्ट फैमिली है उसका कैनोपी। और यहां जाके ना एक काम करना, अंडा जो है ना, अंडा को कहना आप डिस्प्ले कर दो इसकी फ्लैक्स लाइन आइटम्स
अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखोगे तो कुछ ऐसा देखने लगेगा। यहाँ जाके आपने करना क्या है, आपने जाके कहना है अंडा तो ठीक है, यहाँ जाके आपने जाके कहना है इस इमेज को भी ठीक कर दो। यार इमेज भी ठीक हो गई जी, ठीक है इमेज कैसे ठीक हुई, फॉन्ट साइज काम करता है क्या, इमेज फॉन्ट फैमिली काम करता है क्या, नहीं करता जी, तो हाइट दे देते हैं जी 100 पिक्सल दे दो, ज़्यादा बड़ी हो गई 60 60, ठीक है 60 ठीक है। और यहाँ जाके इस फ्लेक्स को आप एक प्रॉपर्टी देते हो भाई जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स क्या करते हैं ना, आपके एलिमेंट्स को रैप कर देते हो, तो आपने जाके कहना है फ्लेक्स रैप नो रैप। तो अब ये कुछ ऐसा देखने लगेगा। आपने जाके कहना है H1 को फॉन्ट साइज, तो आप दे चुके हो ना, एक काम करना इतना पार्ट काट देना, रैप वाला रैप मतलब फ्लेक्स रैप बोला था ना उस वाला काट पार्ट काट। देखो भाई यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और हमको ऐसा पसंद नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, छोटा सा इसको ऊपर भेजेंगे, H1 को पीछे भेजेंगे, तो अब हमको इफेक्ट ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। पहले मैंने सही कराना है जो मेरे को करना था, हाँ इमेज पहले फिर ये बाद में, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके एक काम करो आप छोटा सा, यहाँ जाके आप एक काम करना छोटा सा, ये है कि H1 को हाइट दे देना 100%, विड्थ दे देना 100%, और H1 को खासकर आप प्रॉपर्टी देते हो जिसका नाम है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। इतना कर लोगे क्या, कर लेंगे। और यहाँ जाके H1 को बैकग्राउंड कलर भी दे देना रेड ताकि दिखने लगे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको आपने दे दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसके साथ वाले को भी दे दिया आपने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और पैरेंट के ऊपर से फ्लेक्स हटा दो, मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की मदद से आपको बहुत आसानी से काम करवा दूंगा। अब ये काम आपका कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है एक काम करो, अब आप यहाँ जाके इन दोनों को आपको एक ही बराबरी पे लाना है। सबसे पहले तो इस H1 को जाके आप कह दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देने पे, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी काट देना भाई मेरे, जो भी देख रहा है कर रहा है एडिट, इनलाइन ब्लॉक वाला पार्ट काट देना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, आई एम सॉरी उसके लिए। ऑलराइट जी, तो हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा बन के तैयार है। अब करना क्या है ये बात सुनाओ आप लोग, यहाँ जाके आपको एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। क्या होता है इससे भैया, आपका जो डिस्प्ले फ्लेक्स लग रहा है ना वो हट जाता है, मतलब आपका जो डिस्प्ले फ्लेक्स हटता नहीं है, बेसिकली रैप क्या करता है ना, आपका डिस्प्ले उसको रैप करने लगता है, आप कहते हो नो रैप भाई मत करो यार रैप उसको, ठीक है चलो जी। तो हमने करा क्या था भाई, यहाँ पे हमने अंडा नाम का डिफ बनाया था और अंडा नाम के डिफ को मैंने कुछ कुछ हाइट विड्थ दे दी थी। मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे जाके कहता हूँ #ANDA अंडा के अंदर H1, और H1 के अंदर मैं जाके कहूँगा कि फॉन्ट साइज मैं कर दे रहा हूँ उसको उसका 80 पिक्सल्स के आसपास, और मैं यहाँ जाके इसको कहता हूँ फॉन्ट फैमिली कैनोपी। ओके तो मैंने फॉन्ट फैमिली कैनोपी दे दी, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा लें क्या, 100 कर लेते, घर की बात है कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ट वेट को कम करके 100 कर दो और, हाँ जी चलो ये आपका कुछ ऐसा बन के तैयार है। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ जाके आपको इमेज को भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, तो मैं यहाँ जाके कहूँगा # अंडा के अंदर जो भी इमेज है उसकी हाइट मैं कर दे रहा हूँ मान लेते हैं 60 पिक्सल्स के आसपास, सही है ना जी, सही है। यहाँ जाके एक काम करना, डिस्प्ले फ्लेक्स जहाँ लगा है ना वहाँ जाके कहना फ्लेक्स रैप, नो रैप। इससे फायदा क्या होगा ना, अब जब आप इसको कहोगे कि विड्थ दे दो 100% और हाइट दे दो 100%, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और यहाँ जाके बैकग्राउंड कलर देना इसको भी रेड, तो अब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। एलिमेंट ऊपर की साइड चिपक गया ना, तो यहाँ जाके इसको भी कह दो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, तो ये सेंटर्ड में आ चुका है। अब इसको मुझे पीछे लेके जाना और उसको मुझे आगे लेके जाना है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं करूंगा मैं, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स लगाने वाला और कुछ भी नहीं। मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स करते साथ ही माइनस का ये चला जाए 100% पे, तो ये बाहर जा चुका है। माइनस का 100% की जगह मैं यहाँ जाके कह देता हूँ माइनस का 120, सही है ना जी, सही है। ये कुछ ऐसा बाहर जाके बैठ गए। उसके बाद आप करते क्या हो, आप एक काम और करते हो छोटा सा, यहाँ जाके आपने अंडा के बाद आपने यहाँ जाके कह दिया जो आपका अंडा की इमेज, तो ठीक है यहाँ जाके इसके अंदर भी आपको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स लगाना पड़ेगा, और इसको आप माइनस का 120 नहीं लेकिन सिर्फ 20% मूव करोगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 20 से काम नहीं हो रहा 26 करके देखते, 26 इज गुड, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी आपका ऑल वर्क यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे कि इसमें भी दिखाई देता है, आप जैसे माउस लेके जाते हो आपका वो आ जाता है साइड में, ये हट जाता है। यहाँ जाके काम करो, या तो हैशटैग अंडा पर जब ओवर होता है उसके अंदर वाली जो इमेज है ना वो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स में
आ जाती है जीरो में, और आपका जब अंडा पर होवर होता है ना, तो यहाँ जाके आप कहते हो जो आपका एच वन है वो चला जाता है आपका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 40% आता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन हमको थोड़ा सा और भेजना है, तो इसको उनके देते 40 और इसको देते 140। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 60 70 70 इज द लास्ट, और 72 इज द लास्ट, मतलब मैं 72 बोलने वाला था, मैं बोल नहीं पाया था जल्दी जल्दी में, है ना, 75 बोल रहा था मैं वैसे 75। तो ये इतना बन के तैयार है, और अब आपने करना क्या है, अब आपका ये वाला इफेक्ट बन के तैयार है, बहुत जल्दी जा रहा है, तो एक काम करो छोटा सा, यहाँ जाके इन दोनों के अंदर दे दो थोड़ा सा ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन देते साथ ही आपने कह दिया ट्रांजिशन ऑल इज 0.6 सेकेंड्स, और इसको कॉपी करके अंडा के अंदर की इमेज के अंदर भी लगा दो, और अब देखो ये कैसा जाएगा, सही जा रहा है ना, जा तो सही रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, 140 भेजने की जरूरत नहीं है इसको, सिर्फ 100 भी भेजोगे तो भी नहीं दिखेगा, ठीक है जी, सही जा रहे हैं ना। और यहाँ जाके अंडा जो है हमारा, उसको हम कह देते हैं ओवरफ्लो हिडन, तो अब आपका ये वाला इफेक्ट भी बन के तैयार है, सही है। तो हमने काफी सारे इफेक्ट्स इस वेबसाइट के बना लिए, बस एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, ये कुछ हल्की हल्की चीजें जो मुझे लगता है बना लोगे, ये वाला पार्ट मुझे लगता है काफी लोग अटकेंगे इसमें, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाइयों, तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमारा इतना पेज बन के तैयार है। एक छोटी चीज़ और मैं आपको बना देता हूँ, बीच की कुछ कुछ हल्की फुल्की चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ऊपर से मिल जाएगा, जो ना समझ में आए पूछ लेना है कमेंट करके, हम आपको बता देंगे, और हम लोग ये वाला इफेक्ट सीखने की तरफ जा रहे हैं। लेट्स क्रिएट समथिंग टुगेदर ईमेल में, ये कुछ ऐसा लिखा है, बहुत आसान, बहुत 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 हद आसान है। देखो ध्यान से करना क्या है, आपको जाके कहना #page5, और पेज फाइव के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज है, पेज फाइव के अंदर है मेरे पास एक एच वन जिसके अंदर लिखा है लेट्स क्रिएट समथिंग टुगेदर, ओके, तो यहां जाके लेट्स क्रिएट समथिंग टुगेदर, और स्पैन टैग बना के मैंने उसके अंदर लिख दिया ईमेल मी, सही है जी, ठीक है, आ जाओ एक काम और करो, यहां पे जाके छोटा सा आपने यहां पे गए, आपने यहाँ पे जाके क्या कहा, इसका नाम क्या रखा था आपने, डिव का पेज फाइव, राइट, आपने डिव का नाम क्या रखा था, पेज फाइव, राइट, तो यहाँ जाके आप कहना #page5 की हाइट मैं दे रहा हूँ अभी के लिए तो 100 पिक्सल। Starting narrator alert, no results found for br alert, narrator dialogue, अरे ठीक है भाई, narrator heading level 1, नहीं नहीं exiting narrator, क्या हो गया था भाई इसको, अरे घन फट गई भाई एक मिनट के लिए हार्ट अटैक आ गया, क्या हो गया, क्यों बोल रहा है ये, हम दो ही लोग हैं भाई कमरे में अभी। तो प्यारे भाइयों बात सुनो ध्यान से, हमने यहाँ पे एक डिव बनाया जिसका अपन ने पेज फाइव नाम रखा है, और उसकी अपन ने कुछ हाइट दी है, उसको विड्थ दे देना 100%, एंड बैकग्राउंड कलर उसको जैसा अपन हमेशा से देते आ रहे हैं सी समथिंग समथिंग समथिंग, तो वही कलर अपन दे देते हैं इसको भी, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, नीचे चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। 100 पिक्सल काफी कम होता है मैं जानता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक काम तो करो, यहाँ जाके पेज फाइव आपने लिखा था ना, आप इसको यहाँ पे कॉपी करो, इसके यहाँ पे आप जाना, इसके अंदर जो भी एच वन है उसका आप कह दो कि फॉन्ट साइज कितना देना चाहिए अपने को, 70 पिक्सल्स दे देते, फॉन्ट बड़ा हो गया, लेट्स क्रिएट समथिंग टुगेदर बड़ा हो गया है, ठीक है, यहाँ जाके आप हाइट हटा दो, यहाँ जाके आप दे दो पैडिंग, ऊपर नीचे से पैडिंग बोलते हैं अपन, ऊपर नीचे से 30 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0, तो ये कुछ ऐसा बन के तैयार है, है ना। आपने जाके करना क्या है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा देना है, और फॉन्ट फैमिली को चेंज करके कर देना है डोमेन, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ओके, और यहां जाके हमने फॉन्ट वेट को भी कम कर दिया थोड़ा सा, फॉन्ट वेट भी कम हो गया, और यहां जाके एक बार हम रीलोड करके देखेंगे ना, तो हमको रिजल्ट थोड़े से बेटर दिखाई देंगे, सही दिख रहे हैं रिजल्ट्स, सही है ना, सही है। और उसके बाद हम एक काम करते हैं ताकि हमको पेज फाइव ढंग से दिखे, तो इसके नीचे पेज सिक्स भी बना लेते हैं, और पेज फाइव को जो कोड लिखा है वही सेम कोड पेज सिक्स को भी लिख देंगे, लेकिन पेज सिक्स के अंदर पैडिंग वैडिंग की भाड़ में अपन दे रहे हैं इसको हाइट, ताकि मेरे को नीचे वाले डिव दिख जाए, है ना, ठीक तरीके से मैं हाइट देता हूँ उसको 100 पिक्सल ही काफ़ी है इतने,
सॉरी यार, ये पेज 6 लिखना था, मैंने गलती से पेज 5 लिख दिया। रीलोड लेंगे, अब हो जाएगा सही। क्या है, लोकोमोटिव थोड़ी सी नाटक करती है भाई, अब उसमें आप और मैं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ठीक है, काम अपना काम तो हो रहा है। ये अपने यहाँ पे लिखा था, और मुझे इसका थोड़ा लगता है कि फॉन्ट साइज और बढ़ाना चाहिए। मैं 90 कर देता हूँ, तो 90 थोड़ा सा ठीक दिखने लगेगा। मैं कहूँगा H1 के अंदर जो स्पैन है, तो पेज 5 के अंदर H1 के अंदर जो स्पैन है, मैं कहूँगा उसका फॉन्ट फैमिली दे रहा हूँ मैं कैनोपी। ठीक है जी, यहाँ जाके आप कहोगे बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा उसका, तो बैकग्राउंड कलर रहेगा ये वाला, और कलर कौन सा रहेगा, तो कलर रहेगा उसका कलर रहेगा ये वाला। ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हल्की सी चाहो तो पैडिंग दे सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे से नहीं। और ये पैड क्यों लिख देता हूँ मैं इसको बार बार, पैडिंग क्यों नहीं लिखता, पैडिंग ऊपर नीचे से नहीं, राइट लेफ्ट से 22 पिक्सल्स 12 पिक्सल्स, अब ठीक दिख रहा है ये, सही है ना, सही है। थोड़ा सा चाहो तो फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हो, मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल्स का, तो थोड़ा सा अच्छा भी दिखने लगेगा। लेकिन भैया बड़ा तो कर दिया, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है, तो मूव अभी थोड़ी होगा यार, थोड़ी सबर सबर, थोड़ी सी सबर, थोड़ी सी शांति रखा करो, सब काम हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। सुनो करना क्या है, यहाँ जाके आपने बनाया H1 ना, उसके बाद आप इसको मल्टीपल H1s बनाना है। मैंने 3 H1s बना लिए, चाहो तो 2 बना सकते हो, चाहो तो 3 बना सकते हो, मैंने 2 बना लिए, काफ़ी है वैसे मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है जी। आप एक काम करो, यहाँ जाके आपने जाके H1 को देना, जो प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ उनको याद रखना। H1 को जाके कहना है आपको डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट, नहीं देना अपने को। और ये मैं क्यों दे रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया। सुनो, H1 को जाके आपको देना है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, दे दोगे क्या, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पेज 5 को अब आपको जाके देना है व्हाइट स्पेस नो रैप, इससे पता है क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे, और आप पता है ये स्क्रॉल भी हो सकता है, लेकिन आपने स्क्रॉलिंग बंद करके रखी है ना, हाँ तो एक काम करो, फिर आ जाओ यहां जाके कहना है इसको ओवरफ्लो एक्स ऑटो ओवरफ्लो वाई हिडन, क्या होगा इससे, अब आपको स्क्रॉलर इसके ही ऊपर दिखने लगेगा। और ये स्क्रॉलर देखने में गंदा लगता है, लगता है कि नहीं लगता, तुम खुद बताओ यार, लगता है। तो मैं कहूंगा पेज 5 के ऊपर जो भी स्क्रॉल लगा है, तो ये लगा के वेबगिट स्क्रॉल बार, और उसके अंदर मैंने जाके कह दिया, ये मैं पहले भी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसको कह दूँ डिस्प्ले नन। 3-4 चीजें जरूरी है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक टू दी H1, व्हाइट स्पेस नो रैप टू दी पैरेंट, ओवरफ्लो एक्स एंड वाई को मैंने चेंज करा पैरेंट के अंदर, और मैंने यहाँ जाके वेबकिट स्क्रॉल बार जैसा लिखा वैसा ही लिखना प्लीज, और डिस्प्ले नन। तो हमारा स्क्रॉल बार हट चुका है, और ये स्क्रॉल भी होता है, सही है ना, चलो बढ़िया। उसके बाद करना क्या है, हम इसको ऑटोमेटिकली मूव कराना है, तो उसके लिए लगेगा भाई एनिमेशन। ये क्या होता है, एनिमेशन होता है, एनिमेशन बनाने के लिए क्या यूज करें, सबसे पहले की फ्रेम्स, तो लिखो यहाँ पे @ की फ्रेम्स, आइडेंटिफायर के अंदर एनिमेशन का नाम, तो एनिमेशन का नाम मैं रखना चाहता हूँ, क्या नाम मैं रखना चाहता हूँ, लेट से स्क्रॉल, स्क्रॉल नाम का एनिमेशन है 0% पे ट्रांसफॉर्म। और एक काम करते हैं अपन एनिमेशन बनाने से पहले H1 को देख लेते हैं कैसे दिखना है मेरे H1, ठीक है जी। चलो यहाँ जाके मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, देखे कैसे दिख रहे हैं मेरे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ध्यान से देखो, ये दोनों एलिमेंट्स के बीच में थोड़ी सी गैप है, गैप है भाई 4 पिक्सल्स का, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो मार्जिन राइट में दे देता हूँ इसको लेट्स से 20 पिक्सल्स। तो अब इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, आपको क्या लगता है, 4 और 20 हो गया कितना, 24। ओके, तो मैं जाके करता क्या हूँ, मैं यहाँ जाके कहता हूँ 0% पे मेरा एलिमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स बैठा है 0 पे, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स बैठा है माइनस का 100% पे। ध्यान से देखोगे, यहाँ नहीं लिखना था, आई एम सॉरी, इसको यहाँ से कट करना है, यहाँ जाके 100% का एनिमेशन लिखना है, और उसके अंदर इसको लिखना है। ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। 0% 100% दोनों फिक्स हो गया। उसके बाद अब आपको एनिमेशन लगाना है, किसके अंदर, H1 के अंदर। एनिमेशन लगाने की सबसे पहली प्रॉपर्टी एनिमेशन का नाम, तो नाम क्या हो गया इसका, नाम हो गया स्क्रॉल। एनिमेशन का ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया इसका 2 सेकंड। ध्यान से देखो कि चलने लगेगा, चल तो रहा है, सही है। एक काम और करो, फिर इसके नीचे एक और बना लो, अब ज्यादा बेटर दिखेगा, चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी चल चुका हो। तो यहां जाके आप कह दो अनलिमिटेड बार चलता रहे, तो एनिमेशन का आइट्रेशन काउंट मैंने कर दिया इनफाइनाइट,
सही है ना, इन्फाइनाइटली चल रहा है वो, है ना। लेकिन अभी भी हमको ना अटक अटक के चलता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ जाके कहेंगे एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन मैंने कर दिया लीनियर, जो मैं लिख रहा हूँ ना वैसा ही लिखते जाओ, अभी नहीं समझ में आ रहा तो ये कुछ लीनियरली चल रहा है और ये हमको चलता हुआ भी दिख रहा है और इनफाइनाइटली चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन भैया अटक भी तो रहा है बीच बीच में, कहाँ अटक रहा है बताना जरा। देखो आप ध्यान से देखो, अटकता तो है यार भैया, अटक रहा है तो क्या करें, हम यहाँ पे यूज करेंगे भाइयों कैल्सी फंक्शन का। तो करना क्या है, 100% के अंदर आप आओगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे जाके मैंने कट करा, मैंने लिखा कैल्सी, और कैल्सी के अंदर मैंने आ जाके लिख दिया माइनस का 100% माइनस 24 pixels, ये लिख देना बस, आपका काम हो जाएगा जैसा मैंने लिखा वैसा कैल्सी, और कैल्सी के अंदर ये वाला काम। अभी आपको अनलिमिटेड चलता हुआ दिखेगा बिना किसी झटके के, देख सकते हो कोई झटका नहीं आ रहा। तो भैया हमने इसको बॉर्डर वॉर्डर क्यों नहीं दी, इसको बॉर्डर क्यों नहीं दी हमने, तो दे देते ना, कितना टाइम लग रहा है। यहाँ जाके अपन कहते हैं बॉर्डर टॉप 1 pixel सॉलिड, ये कलर की कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो, और बॉर्डर टॉप से इसको कर दो बॉर्डर बॉटम, तो ये बॉर्डर भी बन गई, ये भी बन के तैयार है साहब, ठीक है ना जी, ठीक है। यहाँ जाके पैडिंग को थोड़ा सा कम करके मैं कर रहा हूँ 25 pixel, अब ये भी बन के तैयार है। उसके बाद अगर मैं इसके बीच में गैप बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बढ़ाना चाहिए, तो मैं इसको अगर 30 करता हूँ ना, तो एक चीज़ याद रखना यहाँ पे भी आपको 30 करना पड़ेगा। तो भैया 4 क्यों लिखा है यहाँ पे, 4 इसलिए क्योंकि 4 pixel का ऑलरेडी गैप था उसके अंदर, मतलब समझ रहे हो ना, ऑलरेडी 4 था, उसके बाद आपने 20 और जोड़ दिया, 30 और जोड़ दिया, तो 34 हो जाएगा, इसलिए आपने उसको इस तरीके से करा है। तो अब ये बन के तैयार है, अनलिमिटेडली चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसको होवर करने पर रोकना है। तो एक काम करो, सुन, यहाँ जाके आप नीचे जाके एक छोटा सा कोड और लिख दो, यहाँ जाके आप लिख दो पेज 5 के ऊपर जब भी मैं होवर करता हूँ तो उसके अंदर वाला जो भी H1 है उसके अंदर एनिमेशन का प्ले स्टेट नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको कर दो पॉज्ड, सही है। तो ये आपका एनिमेशन बनके तैयार है, और अब हम देखते हैं जल्दी से हमने क्या बनाया इतनी देर में, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, और अब देखते हैं जल्दी से हमने क्या बनाया इतनी देर में। तो हल्का सा इफेक्ट चलता है, आप नीचे जाते हो, नीचे आपका बढ़िया सा पेज दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा यूआई है, और ये आपको एनिमेशंस भी कुछ दिखाई दे रहा है। भाइयों वीडियो हम ये वाली यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको डाउट आएंगे, आप क्लियरली या तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर हमारी कम्युनिटी है इनर्शिया, उस पर हमको मैसेज करके पूछ सकते हो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है भाई, अगर पसंद आई है ज़रूर इसको शेयर करना, लाइक वर्क ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स भी कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने का प्लान है, तो कमेंट कर सकते हो आपको क्या सीखना और क्या नया सीखना चाहते हो, कमेंट करके बता सकते हो। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करो यार अच्छे से, और बस पढ़ाई करो, क्या ही करोगे और उससे ज़्यादा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।